दर्शन करें, इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए प्रसंग के अनुरूप कुछ जिज्ञासाएं भी मेरे पास हैं। एक प्रश्न तो यही है, बापू अयोध्या से लगभग सभी लोग चित्रकूट गए, किंतु जो लोग अयोध्या की सार संभार के लिए रह गए, क्या उन्हें प्रभु से प्रेम नहीं था? अगर था तो वो प्रेम का कौन सा स्वरूप है? प्रेम में ये स्थिति कब आती है? जब मीरा को कहना पड़ता है, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख हो। अयोध्या से सब लोग गए चित्रकूट, लेकिन प्रभु की ये संपदा है, उसको बिना जतन किए मैं जाऊं तो भरत जी को लगा कि साईं द्रोह माना जाएगा, और इसीलिए सपने में भी जो धर्म में नहीं डोले थे ऐसे लोगों को भरत जी ने अयोध्या की सार संभार के लिए रख दिया था। अब पूछते हैं कि उसमें प्रेम नहीं था, यदि था तो इस प्रेम का रूप क्या था? अयोध्या कांड में करीब करीब जहाँ भी आपको धर्म शब्द का प्रयोग मिले, करीब करीब वहाँ धर्म का अर्थ प्रेम ही है। अयोध्या कांड प्रेम के सिवा कुछ जानता ही नहीं है। करीब करीब हाँ, धर्म की जहाँ तक एक विशिष्ट व्याख्याएं हैं, माता जी बैठ जाओ, माँ ये आरती बंद कर, सब बंद कर। यहाँ रामचरितमानस में तो जहाँ तक अयोध्या कांड का संबंध है, धर्म का अर्थ भी प्रेम है और ब्रह्म का अर्थ भी प्रेम है। ब्रह्म और प्रेम पर्याय है, प्रेम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही प्रेम है। इसलिए जिसको प्रेम मिल गया उसको जरा भी ये नहीं समझना कि ब्रह्म नहीं मिला। तो यहां धर्म शब्द का भी अर्थ प्रेम करना पड़ता है। एक विशिष्ट धर्म जहां सब धर्म छोड़ दिए गए, मामेकम शरणम व्रज, आज्ञा सम नसु साहिब सेवा। भरत जी ने आज्ञा दी, आप लोग यहां रह जाओ,
आप यहां की सब संभाल करो। यदि तुम में पूर्ण प्रेम होगा तो तुम आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सको। इसका मतलब ये नहीं कि वो घर रह गए उनमें प्रेम नहीं था। कुछ लोग थे जिसको घर रखने की बात परिवार वाले करते थे तो लगता था गर्दन मारी, वो इसकी तुलना में थोड़े कम है जो जिद करके गए। लेकिन जो एक ही वचन में मान गए कि तुम्हें घर रहना है, नेत्र में से अश्रु गिर गए होंगे लेकिन वो रह गए। और आपको पता नहीं, मैं बता दूं, फिर ये जो घर रहे थे ना उसको ही भरत और पादुका के संरक्षण में नियुक्त कर दिए गए। इनको जो विशिष्ट लाभ मिला है, फिर भरत को कोई संरक्षण की जरूरत नहीं थी, लेकिन जहां भरत जी निवास करते थे वहां की सार संभार भी इन लोगों को दी गई थी। उन लोगों को चित्रकूट में दर्शन नहीं हुए, लेकिन नंदीग्राम में चित्रकूट वाले सीताराम दोनों जो आ गए थे पादुका के रूप में, वहां इन लोगों की ड्यूटी लग गई। क्योंकि मिथिला ने जानकी को जन्म दिया, अयोध्या ने राम को जन्म दिया, लेकिन चित्रकूट ने पादुका के रूप में राम सीता दोनों को जन्म दिया। तो सीताराम जी का दोनों का प्रागट्य पादुका के रूप में चित्रकूट में हुआ है, वो दोनों आ गए। प्रेम में जो डोल जाता है उसकी कभी कभी माननी पड़ती है, नहीं मानेंगे तो डोले हुए कहीं गिर जाएंगे। इसीलिए कभी कभी प्रियतम को डोलते हुए प्रेमी को संभालना पड़ता है। लेकिन धर्म रूपी प्रेम में जो सपने में भी नहीं डोले उसको अयोध्या ही चित्रकूट है। इसलिए यहां कोई प्रेम की कमी का प्रश्न नहीं उठता, यहां धर्म ही प्रेम है। एक बहुत पका हुआ प्रेम है इन लोगों में, जो सबके सुख के कारण श्री अवध में रह गए, एक दूसरी जिज्ञासा भी आज मेरे पास थी कि बापू आपने एक दिन कथा में कहा था कि महाराज दशरथ जी को राम और भरत की तुलना में लक्ष्मण जी के प्रति इतना, सबके प्रति भाव है लेकिन इतना उतानपाद और ध्रुव के बारे में जो मीमांसा हो रही थी उस समय व्यास गादी ने कहा था कि मोरे राम भरत दुई आंखी, ये प्रमाण दिया गया था कि दशरथ जी ने कहा कि तीन आंख वाले की साक्षी से मैं बोल रहा हूं, भरत और राम मेरी दो आंख होती हैं। तो आज अच्छी जिज्ञासा आई कि कल कथा में यह भी कहा गया कि मोरे प्राण नाथ सुत दो। अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है। वहां दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र जी के सामने कि ये मेरे दो पुत्र, अथवा तो राम लक्ष्मण जी को कह देते हैं तुम मुनि पिता आन नहीं को, तो वहां भरत नहीं है, वहां लक्ष्मण है, लक्ष्मण जाने वाले, स्पष्ट लक्ष्मण। बाकी गोस्वामी जी तो सार गर्भित रख देते हैं, अनुज समेत देहु रघु, और अनुज में तीनों आ जाते हैं, भरत भी अनुज है, शत्रुघ्न भी अनुज है, लक्ष्मण भी अनुज। लेकिन लखन का प्रेम इतना वो है कि वो छलांग मारकर प्रभु के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दो गोस्वामी जी के शब्द पर, आंख दो होती है, प्राण पांच होता है, इसलिए दशरथ जी पांच को प्राण कहते हैं। आंख तो दो ही होती है, आंखों की तुलना आंखों के साथ यदि जोड़ना है तो भरत और राम ही दोनों आंख।
लेकिन प्राण की यदि बात है तो प्राण तो ये पांचों उनके हैं, राम भी है। वैसे तो यहां राम को लक्ष्मण के साथ जोड़ने के लिए प्राण, बाकी राम प्राण थोड़े हैं, राम तो प्राण के भी प्राण, प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। तो अर्थ हो गया लक्ष्मण भी प्राण है, भरत भी प्राण है, शत्रुघ्न भी प्राण है, और यहां मोरे प्राणनाथ सुत दो कह दो तो राम भी प्राण है, और कई कई को भी प्राण प्रिया शब्द का प्रयोग लगा दिया है। तो प्राण पांच है, पांच जगह बट गई बात, और आंखें दो है, वहां भरत और राम का ही संकेत है, इसलिए दोनों बात मूल में थोड़ी भिन्न हो जाती। बाकी तो बाप को अपने संतान के प्रति प्रेम होगा ही, लेकिन यदि तुलना करो तो ये पा जाओगे राम और भरत मेरी दो आंखें हैं। अच्छा प्रश्न है। एक और जिज्ञासा भी है कि शुरुआत में कहा गया है, एक कल जिज्ञासा थी शायद रह गई, कि प्रस्तावक को ठुकरा देना, किसी पढ़े लिखे ने पूछी थी, प्रस्तावक को ठुकरा देना, समर्थक को ठुकरा देना, अनुमोदक को ठुकरा देना, क्या किसी विवेकी पुरुष के लिए ठीक है? प्रस्तावक हैं भगवान वशिष्ठ जी, अनुमोदक हैं मंत्रिमंडल, समर्थक है मां कौशल्या कि भरत तुम राज ले लो। बड़ी सोच समझ कर शब्द का प्रयोग किया। प्रस्तावक भगवान वशिष्ठ जी थे, राय राजपद तुम कह दीना, पिता के वचन को सत्य करना चाहिए तुमको, ये प्रस्ताव वशिष्ठ जी ने रखा था कि राजा ने राजपद भरत जी तुमको दिया, ये प्रस्ताव था, यानी पिता के वचन को सत्य करो, यानी ये पिता के वचन को मान करके तुम राज्य स्वीकार कर लो। ये था अयोध्या की सभा में महाराज दशरथ जी के मृत्यु के बाद, उनकी सब क्रिया समाप्त करने के बाद जब राज्य परिषद मिली तभी ये प्रस्ताव आया था। फिर मंत्रियों ने अनुमोदन कर दिया, हे भरतलाल जी आप गुरु की आज्ञा मानो, कह ही सचिव कर जोरी, आप गुरुदेव की आज्ञा को मान लीजिए, हमारा अनुमोदन है इस प्रस्ताव को। पूरी मंत्री परिषद आठों आठ अपना अनुमोदन कह दिया और समर्थन किया मां कौशल्या ने। हाँ, वैसे वो सभा वशिष्ठ जी की अगवानी में हुई थी, लेकिन मूल में तो राजमाता अब कौशल्या है। उसकी प्रधानता में हो रही है ये मीटिंग, और जो प्रधान व्यक्ति हैं आज अयोध्या की राज्य परिवार की, वो मां कौशल्या राजमाता के नाते बोल देती है, कौशल्या धीरज करी पूत पथ गुरु आयसु अहरी। कोई ऐसे आवेश में, कोई अधैर्य में कही गई बात नहीं, राजमाता है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मां कौशल्या के कंधे पर है, बहुत गंभीर्य प्रौढ़ता का दर्शन कराया। पुत्र भरत पूत पथ्य गुरु आयसु अहरी,
सचिव कहते हैं गुरु की आयसु स्वीकार करो, माँ कहती है गुरु की आयसु यानी आज्ञा पथ्य है, प्रस्ताव है भगवान वशिष्ठ जी का। अब जिज्ञासा ये आई है कि ये तीनों का निरादर हुआ है, अतिक्रमण हुआ है। हाँ, एक प्रेमी इन सब से परा हो जाता है, बात और है, लेकिन उसी प्रेमी को फिर भविष्य में 14 साल तक एक अंतरिम व्यवस्था होगी अयोध्या की। न राजा है न राम है, एक अंतरिम व्यवस्था 14 साल उसी व्यक्ति को आगे जाकर निभानी पड़ेगी। ऐसी एक व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति इन तीन तीन वस्तु को ठुकराए, वो कहां तक समयोचित है? अच्छी बात है। पहली बात तो ये कि जब प्रेम की बात आती है तब ये सब बातें गौण बन जाती है। एक तो प्रेम की बाढ़ में सब बह जाते हैं और बहने वालों को कोई शिकायत नहीं, न पंत्री परिषद को कोई शिकायत है, सबको भरत प्राण प्रिय भय सब ही के। भरत जी सबके प्राण प्रिय हो गए कि नहीं हम चल जाए चित्रकूट, सबको फायदा हो गया। प्रेम पक्ष लेकर चर्चा हो रही है, प्रेम में तो ये सब कितने कितने लक्षण लगा दिए देवर्षि भक्त प्रवर परिव्राजक देवर्षि नारद ने। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, यह है प्रेम जिसका मूल स्वरूप है गुण रहित होना। प्रेमी न सत्वगुणी होता है, न रजोगुणी होता है, न तमोगुणी होता है। प्रेमी तीनों गुण से पर होता है। जब तक ये गुण है तब तक सीमा है, ब्रह्म असीम है, प्रेम असीम है। प्रेम गुण रहित है। अब जब गुण रहित स्थिति किसी में आ जाए तो फिर ये बातें सब टिकती नहीं। जब तक हमारी नासमझी होती है तब ये दिखाई देती है, लेकिन टिकती नहीं, बह जाती है, प्रवाह में चली जाती है। वशिष्ठ जी की बात न रही ऐसा आपको लगता है, लेकिन सोचिए वशिष्ठ जी स्वयं स्वीकार करते हैं। तीन वस्तु गोस्वामी जी वशिष्ठ जी के लिए लिखी। एक बात का तो मैंने बार बार आपको स्मरण कराया है, भरत महा महिमा जल राशी मति भई ठाड़ी तीर अबलासी। भरत की प्रेम की महा महिमा इतनी बड़ी जल राशि है कि भगवान वशिष्ठ जी की बुद्धि एक अबला की तरह एक तट पर रुक गई। लेकिन गोस्वामी जी उसके बाद तीन शब्द लगा देते हैं, गाचह पार जानते, जाना चाहते हैं कि पार कर लूं इस महा महिमा को। गाचह पार जतन चाहते हैं गुरु वशिष्ठ जी कि मैं भरत की महिमा को पार कर लूं। इस तट से तो भरत को देखा, जरा उस तट पर जाकर भी देखूं, ठीक से देख लूं इस प्रवाह को। लेकिन गोस्वामी जी त्रिम शब्द से प्रेम का विजय दिखा देते हैं, पावत नाव न बोहित बे। अब पार होना है अबला को, ध्यान दो। कोई तैराक होता और नदी में कूद पड़ता शायद पार हो जाए, लेकिन अबला है आज महाराज भगवान वशिष्ठ जी की बुद्धि। प्रेम
के प्रवाह के सामने बुद्धि एक अबड़ा बनकर खड़ी है। अबड़ा में कोमलता होती है, पुरुष जितना, हां आज अबड़ा हर क्षेत्र में पुरुष समोवड़ी होने की स्पर्धा में होना चाहिए देश काल के अनुसार, फिर भी एक जाति जन्य जो सुकोमलता है उसका तुम क्या करोगे, कहां जाओगे तुम? आज बहनों की भी क्रिकेट की वर्ल्ड कप होती है, अभी खेली जा रही थी ना, खेली जा रही शायद, खेली मैंने देखा था, मैंने बंद कर दिया। क्योंकि हम पुरुष हैं इसीलिए, यहां कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है मेरे भाई बहन, लेकिन माताओं की मातृ शरीर की स्वाभाविक जो सुकोमलता है उसको तुम क्या करोगे? एक पुरुष बॉलिंग करता है और एक बहन बॉलिंग करती है, देखिए तो उन्हें इनका कोई वो नहीं, एक स्वाभाविक सुकोमलता है मातृ शरीर की, एक अपनी महिमा है मेरे भाई बहन। मैंने नेहरू को बताया, बंद कर, मैंने कहा स्वाभाविक, ये आलोचना नहीं है, ये दोष नहीं है, ये उनकी महिमा है। पुरुष नहीं कर सकता जो मातृ शरीर कर सकती है, पुरुष की ताकत नहीं। एक इस देश की बेटी अंतरिक्ष में हो आई कुछ दिन पहले, चावला, हरियाणा की बेटी, ये गौरव की बात है ना हमारे लिए। फिर भी मातृ शरीर है, पुरुष नहीं कर सकता जितना मातृ शरीर अपने क्षेत्र में जो कर सकती है। बाप के पास बेटे को संभालने के रखो और मां के पास रखो, तफावत तो देखो। मां दवा पिलाएगी तो खुद पहले पी, बेटा कटु नहीं है मेरे बाप, पी लो, स्वयं कटु पीकर इतनी फुसला कर पिला देगी, और मां कहीं बाहर गई और बाप दवा पिला रहे, देखिए जमावट। बेटा कहे मां कड़ी तो कड़वी नहीं तो हूं सफरजन। क्योंकि ये नहीं कर सकता जो मां, इसलिए तो परमात्मा के मां, परमात्मा ने मां के सीने में दूध की रचना कर दी, क्या महिमा है। विद्वानों ने, मनीषियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने तो यही निष्कर्ष दे दिया है कि स्त्री कुछ न हो तो भी महान है, क्योंकि वो एक चेतना को जन्म दे सकती है, इसलिए स्त्री महान है। जिस घर में नारी की पूजा नहीं वहां देवता नाराज हो जाते हैं, इसलिए हम सीताराम कहते हैं, इसलिए हम राधे श्याम कहते हैं, इसलिए हम पार्वती परमेश्वर कहते हैं। भवानी शंकरो वंदे, तुलसी तो पहले वंदे वाणी, बाद में विनायक, पहले सरस्वती की वंदना कर चुके हैं, विनायक की वंदना बाद में करते हैं। सबका अपना अपना वो है, पुरुष जितना वजन उठा पाएगा, मातृ शरीर शायद नहीं उठा पाएगी, सीधी बात है। दरवाजा बाणू खुलतू न है तो कौन बोलागी, ए हां बेड़ो एकदम खुलना को जरा, यानी खुलना धड़ा के खुलना के बाद, सीधी सी बात, अपने अपने अपनी अपनी एक महिमा है। तुलना भी मत करना, आलोचना भी मत करना, जो स्थिति है उसको वंदन करना, उसको आदर देना। मेरे गोस्वामी जी तो पूरे संसार में पहले राम को कहां देख रहे हैं, पहले सीता को देखते हैं। सिया राम मैं सब जग जग जाई, करूं प्रणाम जोरी जुगल पाई। बहन लोग नहीं खेल सकती ऐसी बात नहीं, अपने ढंग से खेलती है, लेकिन थोड़ा जरूर फर्क दिखाई देगा आपको, जरूर दिखाई। तो हर क्षेत्र में ये जरूरी है कि
हम आगे बढ़े, हम आगे फिर भी एक जन्मजात जो सुखो मिलता है, समर्पण का जो भाव है, अंतर्मुख होने की जो स्वाभाविक उनके स्वभाव है। पुरुष आंखें खोल कर बोलने जाएगा तो शायद कोई कोई भी ऐसी तो नारी नयन झुका देगी, क्योंकि उनमें अंतर्मुख होने का स्वाभाविक भगवान का वरदान है। पुरुष आक्रमक है, ये आक्रमण करता है, पुरुष ग्राहक है, पर समर्पण करती रहती है मात्र शरीर। बड़े विलक्षण वो उसकी महिमा है मेरे भाई बहन। कितनी ही सबला हो, गोस्वामी जी कहते हैं कान कर ही अबला प्रबल। ये प्रबलता होते हुए भी उनके स्वभाव की जो रुजुता है, अपना शरीर में छाशे ही न थे, दूध तो कहां से होगा, छाश नहीं हो पाए। भगवान महावीर स्वामी जा रहे थे जंगल में और किसी ने कहा कि आप मत जाओ आगे। बोले क्या बात है, वहां चंडकोशी सांप है, वो बड़ा भयंकर है और जिसके कदम आगे बढ़े हैं वो थोड़े वापस लौटेंगे। चलते रहे, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ हैर त्याग, जाते गए जाते गए। चंडकोशी सांप आया, महावीर स्वामी के पैर को डसा, दंश दिया और रक्त के बदले दूध निकला। जैन संप्रदाय में गुजराती में लोग गाते हैं, दूध वह्यू ज्यां प्रभु ने चरणे, चंडकोशियो आयो शरणे। अब मनुष्य के शरीर में से दूध निकले वो शरीर शास्त्र से विरुद्ध है, एक अर्थ में रक्त ही निकले लेकिन निकला। तर्क के पर की बात है, तर्क करेंगे तो उलझ जाएंगे, तर्क से पर की बात है। और समाधान धर्माचार्यों से, जैन आचार्यों से यही मिलता है। ये लोग कहते हैं, बताते हैं कि इसका एक ही कारण है कि मां को केवल अपने बालक पर प्रेम है, तो इस प्रेम के कारण प्रभु ने उसके एक अंग में दूध का निर्माण कर दिया। तो संत को, सदगुरुओं को, प्रभु को तो पूरे संसार के प्रति मातृ बालकवत प्रेम होता है, और उसके अंग अंग से यदि दूध निकले तो कौन आश्चर्य। सीधी सी बात, तो आज भगवान वशिष्ठ जी की बुद्धि, बुद्धि आखिर बुद्धि है, भगवान को अर्पण करो बस, बाकी बहुत भरोसा मत करना बुद्धि का। ये तो ठीक है, ना समझी होती है तब आदमी बुद्धि के तान में घूमता है, बाकी इतना भरोसा मत करना। बड़ों बड़ों की बुद्धि ने मार खाया है, तर्क करेगी, अपने तर्क से खोज, इससे क्या मिलेगा आखिर, तर्क तो बहुत करे। एक बाप ने अपने लड़के की शादी सगाई की तो गांव के नगर सेठ की कन्या से की, और बाप फिर अपने जवान बेटे को पूछे बिना कराया सगाई रिश्ता। फिर पूछने लगा कि तुम्हारी सगाई रिश्ता कर दिया, कहां, मुझे बिना पूछे कौन लड़की है। बोले नगर सेठ की लाखों करोड़ों रुपया है और एकमात्र बेटी है, सब तुझे मिलने वाला है, इतनी साल मैंने खोजा कि योग्य समधि मिले, मिल गया अपने ही गांव का नगर से। लेकिन पिताजी, पिताजी पिताजी मत कर, चुप। लेकिन मुझे पूछना तो चाहिए, मुझे जीवन जीना। अरे तू क्या साने समझे, बच्चा है अभी। लेकिन पिताजी नगर सेठ की कन्या के बारे में तो कई बार हम युवक लोग चर्चा करते हैं, वो तो बिल्कुल देख नहीं सकती, कम देख सकती है, पर मेरी जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं रुपयों के लिए, वो तो कम देख। अरे मूर्ख, पत्नी कम देखे वो पति के लिए बहुत वरदान है, जो चाहे किया करो, देखती ही नहीं, वरदान है, मैंने समझ कर तेरे लिए चुनाव किया है, ये बहुत फायदेमंद बात है। ठीक पिताजी, लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि वो कम सुनती है। अरे ना समझ, तेरा बाप हूं मैं, जो जो भूल मैंने की है
वो तुझे नहीं करवा दूं। कम सुने वो तो अच्छी बात है, तू गाली दे, तू चिल्लाए, तू सुनाई ही न दे तो वो मुस्कुराती रहेगी और तेरा क्रोध भी निकलता रहेगा, तेरा अहंकार भी बना रहेगा और वो सुनेगी नहीं, बच जाएगा घर। अरे पिताजी, लेकिन मैंने सुना है कि वो तो तूतलाती है, तो अच्छा है, कहीं किसी को बात तो नहीं करेगी, बोल ही नहीं पाएगी तो घर का राज घर में रह जाएगा। जितना जितना वो युवान बेचारा कह रहा है, उनका बाप बुद्धिमान तर्क से बात काट रहा है, लेकिन आखिर में इस युवान ने कहा कि ठीक है पिताजी, पितृदेवो भव, अनुचित उचित विचार तजि जो पालहिं पितु बैन, ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि वो लड़की 15 साल मुझसे बड़ी है। अरे बेटा, एक छोटी सी भूल के लिए इतनी तू सगाई छोड़ रहा है, इतनी सी छोटी सी कमी है, 10-15 साल तुमसे बड़ी, बस इतनी सी छोटी सी कमी के लिए इतने गुण वाली लड़की को त्याग देना बुद्धिमता नहीं है, बस यही दोष है, शादी कर लो। तर्क घुमा घुमा करके अपना पक्ष रखेगा, चैन कहां मिलेगा, विश्राम कहां मिलेगा, बुद्धि आखिर अबला है। हां, उसकी तान में भगवान श्री कृष्ण ने ठीक कह दिया, मय्येव मन आधत्, तेरी बुद्धि मेरे साथ ब्याह कर दे, कब तक, जब तू देना चाहे मुझे ही दे दो ये बुद्धि, क्योंकि मैंने तुझे दी है। ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामु पयांतिते, तू मुझे दे। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भगवान विश्व ने भी कहा, महाराज मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने शादी नहीं की, मेरा व्रत है ब्रह्मचारी, मैं शांतनुसूत, मैं गंगा पुत्र, लेकिन मुझे एक बेटी है। भगवान चौंक गए, मरण की शैया पर बूढ़ा पड़ा है। महाभारतकार व्यास जी तो कहते हैं, भीष्म जब सोए है तब लगता है कि आकाश में से आदित्य धरती पर आ गया है, ऐसा स्वरूप बताया है भीष्म का। अंतिम क्षण है भीष्म की, और भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर आते हैं 6 मास की शैया, बाण की शैया पर दादा अपने प्राण को वो कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण को देखकर फिर कहते हैं, हे गोविंद, और कोई इच्छा नहीं, एक इच्छा, आदमी हूं, पुरुष हूं, बूढ़ा हूं, एक चिंता हो रही। बोले क्या दादा? बोले चिंता एक है कि मेरी बेटी कुमारी है। चौंक गए उस समय जो खड़े थे, आपको कोई बेटी है, दुनिया क्या कहेंगे, आप ब्रह्मचारी हैं। बोले हां, लेकिन दुनिया नहीं जानती मुझे एक बेटी है। सब चौंक गए। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी जानते हैं, पूछा कि दादा जरा बताइए, हो सकता है हमको पता नहीं और आपको बेटी हो, तो जरा बता दिए वो बेटी का नाम क्या है। बोले इस बेटी का नाम बुद्धि है, आज तक मैंने कुमारी रखी, इस बुद्धि को मैंने किसी से नहीं जोड़ी, आज नटवर मल गया है, आज श्रेष्ठ पुरुष प्राप्त हुआ है, हे गोविंद मैं बूढ़ा मरूं इससे पहले मेरी बेटी का ब्याह तुझसे होगा। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये मेरी बुद्धि आप स्वीकार कर ले। क्या होता है बुद्धि से, कभी कभी तो बोझ लगने लगता है सब अच्छे समझदार लोगों को। पावती नाम न बोहित मेरा, गाचह पार जतन हिय हेरा। तो वशिष्ठ भगवान की बुद्धि अबड़ा की तरह भरत के प्रेम की उमड़ती इस जलराशि के एक तट पर खड़ी है, न तैर पाती है न कूद सकती है, क्योंकि अबड़ा है। अब अबड़ा को नदी पार करना है तो 3 वस्तु चाहिए, नौका चाहिए, जहाज चाहिए, या तो कोई बेड़ा मिल जाए, तरापा मिल जाए तो पार हो सकती है, नौका मिल जाए तो कितनी ही अबड़ा पार कर जाएगी, या तो कोई जहाज मिल जाए तो भी पार कर सकती, या कोई बेड़ा मिल जाए। आज वशिष्ठ जी को गोस्वामी जी लिख रहा है कि न नौका मिल रही है,
न जहाज मिल रही है उसकी मति की अबड़ा को, और न कोई बेड़ा मिल रहा, इसलिए खड़े रह गए, क्योंकि ये प्रेम प्रवाह है, प्रेम ब्रह्म है, ब्रह्म प्रेम है। तो कौन सी नौका वशिष्ठ जी को नहीं मिल रही है, कौन सा जहाज नहीं मिल रहा है, कौन सा बेड़ा नहीं मिल रहा है, फिर रामायण में खोजो। गोस्वामी जी बताते हैं, केवट बुध विद्या बड़ी नावा। मेरे बाबा जी कहते हैं विद्या नौका है। आज महाराज को अपनी पढ़ी हुई सब विद्या खो गई, विद्या रूपी नौका मिल नहीं पाई, तो बहुत खोजी, कहां वशिष्ठ जी की विद्या जो मुक्त कर दे, ऐसी विद्या की नौका आज हाथ नहीं लगी। अबड़ा जो बुद्धि है वो रुक गई, विद्या समझ में नहीं आ रही, प्रेम के आगे विद्या कौन काम की, प्रेम के आगे क्या करेगी विद्या। ये परम दशा का वर्णन है मेरे भाई बहन, समझिए। जीवन में न उतरे तो समझ में तो आ जाए, थोड़ा झलक तो दिख जाए तो भी काफी है, पर्याप्त है। विद्या कितना काम करेगी जहां प्रेम उमड़ेगा। तो विद्या रूपी नौका न मिली वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी को विद्या न मिले ब्रह्मा के बेटे को, इसलिए ब्रह्मा बोले हैं शंकर के वचन पर, साधु साधु आपने ठीक निवेदन किया है कि प्रेम से ही प्रकट होता है, इस वचन पर जो साधुवाद निकल गया वो ब्रह्मा के मुख से, क्योंकि ब्रह्मा से उत्पन्न हुई कई हस्तियां, पूरा संसार प्रेम प्रवाह में। इसलिए कहना पड़ेगा कि जैसे परमात्मा युग युग अवतरता है, वैसे कभी कभी प्रेमी भी युग युग में अवतरता है, कभी कभी आते हैं, छींटे लग जाते हैं कईयों में, लेकिन जो कोई प्रेम अंश अवतरे कभी कभी। और मैंने तो कई बार ये निवेदन रखा है व्यास गादी से कि राम ब्रह्म है और ब्रह्म युग युग आता है, लेकिन भरत रूपी प्रेम तो चार युग में केवल एक बार आता है। इसलिए प्रणव प्रथम भरत के चरण, राम की वंदना बिल्कुल अंत में, आदि में भरत की वंदना गोस्वामी जी करते हैं, ब्रह्म पीछे प्रेम आगे। प्रणव प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाई न राम चरण पंकज मन जासु नुबुद मधुप इव तजई पासु भरत महा महिमा जलरासि मति भय ठाड़ी तीर अबलासी। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, विद्या की नौका आज वशिष्ठ जैसी महापुरुष की बुद्धि रूपी अबला को न मिली, बोहित जहाज न मिला। जहाज कौन है? चढ़े विवेक जहाज। आज महाराज को विवेक भी काम में नहीं आया, आज विवेक का जहाज भी हाथ में नहीं रहा, और बेड़ा नर समा नर तन सम नहीं बारिधि कहूं बे, बे नर तन भव बारिधि कहूं बे सनमुख मरुत अनुग्रह। इस मनुष्य शरीर ही बेड़ो है, यदि देहभान बाबा को रहा होता तो भी तैर जाता, लेकिन सभा सहित
मुनि भी विदेह हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत के शब्द सुनकर, राम की चर्चा सुनकर सभा सहित मुनि भी अपने भाव को भूल जाए, विदेह हो जाए। वरना देह बेड़ो हो सकता था, लेकिन शरीर की शुद्धि भी खो गई, इसलिए वो इस महा जल राशि को पार नहीं कर पाए। तो यदि जहां प्रेम की चर्चा है, वहां कौन प्रस्ताव, वहां कौन अनुमोदन, वहां कौन समर्थक। लेकिन फिर भी हम उस स्थिति में नहीं है, इसलिए प्रश्न आया, ठीक है कि प्रस्तावक को ठुकराना, अनुमोदक को ठुकराना, समर्थक को ठुकराना कहां तक उचित है, ठुकराया नहीं, कई दृष्टि से देखो। फिर इस भरतलाल जी की चर्चा देखकर तुम श्रेष्ठों के प्रस्ताव को ठुकराना मत, बिना सोचे निर्णय मत करना। प्रेम में सब पीछे रह जाते, वो बात कह दी गई, रघुकुल की संकीर्णताएं सब छोड़कर भरत जी निकल चुके हैं, ये बार बार इस कथा में व्यासगादी ने दोहराया है। लेकिन वशिष्ठ भगवान ने कहा कि राय राज पद तुम कहो दिन्हा, उसी समय भरत जी सावधान हो गए, बाबा फिर से बोलिए, दशरथ जी ने, मेरे पिता ने मुझे क्या दिया है, बोले राजपद। बाबा ठीक कह रहे हैं ना, बोले हां राजपद, तुमको राजपद दिया है। पिता बचन फुर चाहिए किन, राजा ने राजपद तुम्हें दिया है। और फिर भरत जी ने कहा कि तो बाबा मैं आपके मुंह पर बोलू मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आरत काहन कर ही कुकर्म, बुभुक्षित किम न करो तिपापम, क्षीणा नरा निष्करुणा भवति। आज मैं आरत हूं, मैं पीड़ित हूं, मेरा राम चला गया है, सब तुम एक पक्ष में हो गए हो, मुझे अकेला छोड़ दिया, कोई मेरे पक्ष में नहीं बोल रहा, और मैं आपकी आज्ञा को तोड़ना नहीं चाहता। इस मंत्री परिषद की करजोर कर जो प्रार्थना है उसको मैं अनदेखा नहीं करना चाहता, और आज राजमाता के रूप में बैठी मां कौशल्या भी समर्थन कर रही है। पूत पथ्य गुरु आयसु, ऐसी तीन तीन आज्ञा का उल्लंघन करना, मुझे कहां प्रभु का मिलन होगा मुझ जैसे। लेकिन बाबा पूछना चाहता हूं, मेरे पिता ने क्या मुझे दिया, राजपद। तो हे व्याकरण आचार्य, राजपद का अर्थ बताओगे मुझे, कि राजपद का अर्थ क्या होता है, मैं आपसे पढ़ा हूं, और आप आचार्य होकर जो आपने हमको अर्थ बताया है, क्या उसी अर्थ में आप हमको नहीं लिए चलेंगे। राज्ञः पदम राजपद, राजा का पद ही राजपद माना जाता है। राजा कौन है, एकमात्र राम राजा है। तो मेरे पिता ने मुझे राम का चरण दिया है, तो देखे बिनु रघुनाथ पद जी की जरनी में जाए। चलिए आपके शब्दों के अनुसार मुझे लिए चलो राजपद के पास। आप बोले हैं, आप व्याकरण आचार्य हैं, आपके चरण में बैठकर वही व्याकरण हम पढ़े। बाबा की बुद्धि सफेद दाढ़ी हिलने लगी, ओ क्या बात है, क्या बात है। और बाबा एक दूसरा अर्थ भी तो आपने हमको समझाया था राजपद का, जब हम व्याकरण संधि पद आ धातु आदि आदि सब सीखते थे आपके पास, तब आप न जाने कितने कितने रूप हमको दिखाते थे, तब आपके चरणों में हम चारों भाई पढ़े थे। आज मुझे ये आपके सामने बोलना पड़ता है, आप राजी होइए, तुम्हारे चेले ने कितना याद रखा है। मैं व्याकरण का आदमी नहीं महाराज, मैं प्रेम का आदमी हूं। लेकिन आज जब आप सब मिलकर मुझ पर दबाव डालते हैं, भरत जी एक वाक्य के दुख से बोल जाते हैं, आप लोगों ने आपका विचार किया, भरत का विचार तुम लोगों ने रखा ही नहीं, मेरी स्थिति का आप सोचते ही नहीं।
तो राजपद का दूसरा एक पद अर्थ तो ये हो गया व्याकरण के न्याय से कि राजा का पद, राजा का चरण वही राजपद, तो मुझे वो चरण दे दीजिए, वो चरण चित्रकूट में है, चलो वहीं। अथवा तो दूसरा अर्थ, बाबा आप ही तो करते थे सब, जिस पर राजा का पद रहे वो राजपद, जिस पर राजा का पद रहे वो राजपद। राज्ञः पदम यस्मिन् तत् राजपद। अरे बेटा तूने बहुत याद रखा, राजपद यदि राजा का चरण है तो राजा राम है, उनके चरण मुझे दो। और राजपद का अर्थ आपके ही कहने के अनुसार जिस पर राजा का पद रहे वो राजपद तो हो गई चरण पादुका, मुझे लेने जाने दो। बूढ़े बाबा चुप हो गए। सचिव स्तंभित रह गए, मां भी चुप है, लेकिन मां को लगा कि इस शास्त्रार्थ हो गया ये तो, और शास्त्र में आज गुरु पराजित हो गए। भाई कुलवान ने तो बहुत दुख था, मारा बाप गुजराती में कहीं ना समझण इतलू दुख, मां को अच्छा नहीं लगा। वशिष्ठ जी जरा हारे ना यहां, नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं। अब भरत जी ने मंत्रियों के सामने देखा, मां के सामने देखा, मां क्षमा करना। अब मां तुझे तो पता है, मंत्रियों को पता है, जन जन को पता है, मेरे पिता ने ये तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें राजपद दिया है, लेकिन सच बोलिए मूल बात क्या है, मेरे पिता ने मुझे राजपद दिया है, राजा बनाया है मुझे। राजपद दिया है तो भी आपकी दलील टिकती नहीं, या तो राम के चरण दो या तो राम के चरण की पादुका दो, वही राजपद का अर्थ है। मैं नहीं पूछूंगा, आप पूछ लीजिए कई कई को, उसको मेरी मां ने क्या कहा था। कछु दिन गए भरत जुबराज, कई कई ने कहा था मेरे पिता को कि मंगल साज सजो, क्रोध छोड़ दो, कुछ दिन के बाद भरत का युवराज पद हो जाएगा। तो गुरुदेव मैं पूछना चाहता हूं कि कोई राजा बने इससे पहले युवराज का नियुक्ति, ये किसका न्याय है? राजा कोई बन जाए फिर वारस में कोई युवराज की नियुक्ति हो जाए, समझ में आती है, लेकिन राजा ही तो निर्णीत नहीं हुआ है। राम को तो वन में भेज दिया आप लोगों ने, और मुझे सीधा युवराज पद देने जाएंगे। ठाकुर जी को थाल धरे बिना भिक्षा करने लगे, पुजारी खाने लगे भगवान को भोग लगाए बिना, तो कैसा भद्दा लगेगा। रामकृष्ण ठाकुर की बात और है, रामकृष्ण परमहंस ऐसा करते थे, काली को भोजन का वो लगाते थे तो पहले खुद खाते, फूल देते तो पहले खुद सूंघते। रानी रासमणि के पास शिकायतें गई कि ये कैसा पुजारी रखा आपने, ये तो सब बर्बाद कर रहा, कोई भी भोजन तो पहले खुद चखता है खाता है। पूछा एक दिन ठाकुर को कि आप ऐसा क्यों करते, बोले मुझे तो बचपन से आदत है, मेरी माँ मुझे कुछ खिलाती थी तो खुद पहले खाती थी फिर मुझे खिला चक्कर खिलाती थी, तो तब मैं बालक था तो मेरी माँ समझदार थी, अब तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं बदला देता हूँ, मैं भी जरा चक्कर खिलाऊं कि कोई कटु कटु बात तो नहीं है। परमात्मा को भोग लगाए बिना उसको लेना वो प्रसाद नहीं है, प्रभु को दिए बिना पुजारी खाने लगे तो ठीक नहीं। राजा की नियुक्ति बिना युवराज की नियुक्ति ठीक नहीं है, और मेरे पिता ने ठीक किया कि मुझे युवराज पद दिया है, राजा तो चित्रकूट में बैठा है, पहले चलो वहां हम सब जाएं, निर्णीत हो जाएं, राम राजा है ऐसा निश्चित हो जाए, फिर मुझे युवराज बना देना।
और अंतरिम व्यवस्था मैं संभालूंगा। 14 साल के बीच में फिर युवराज दायित्व निभाएगा, राष्ट्रपति की कुर्सी पर पादुका विराजमान रहेगी, भारत अयोध्या पर राष्ट्रपति शासन होगा, राम की पादुका राष्ट्रपति का काम करेगी। इस देश में राम राज्य लाना होने तो भरत को समझना पड़ेगा। भरत भारत वर्ष की आत्मा है, ये भारत भरत के बिना जी नहीं सकता। कभी न कभी जब भी आंखें खुलेगी तब भरत के विचारधारा को हमें स्वीकारनी पड़ेगी। इस देश की कोई आत्मा है तो भरत लाल जी है, उसके बिना नहीं। तो भगवान वशिष्ठ जी का प्रस्ताव हटाया गया, हटाया नहीं गया, बाबा ने कबूल किया है। मां को जरा भी कष्ट नहीं हुआ, बेटे की बात सुनकर मां भी राजी हो गई, मंत्री परिषद प्रसन्न हो गई। इसलिए जो प्रश्न आया था कि प्रस्तावक अनुमोदक और समर्थक तीनों की बात टालना कहां तक समयोचित था, समयोचित था। सभी समर्थक अनुमोदक और प्रस्तावक राजी थे, भरत सबके प्राण प्रिय बन गए थे। ऐसे भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे हैं, हम इन दिनों में उनके संग संग जा रहे हैं। तो जब प्रेम की बात आती है तो सभी बातें फीकी पड़ जाती है। तो जिन लोगों को अयोध्या में रखे गए थे सार संभार के लिए, जो धर्म में नहीं डोले थे ऐसे को रखा गया था, जो प्रेम में कभी नहीं डोले थे इनको रखा गया था। वहाँ धर्म का एक अर्थ प्रेम है, क्योंकि अयोध्या कांड में बहुधा धर्म प्रेम परक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यही बात है। अयोध्या कांड में ब्रह्म राम है, ब्रह्म प्रेम है, प्रेम ब्रह्म है। साधु साधु कर ब्रह्म बखान। और फिर नारद जी से पूछ लीजिए ना, सब बिल्कुल ब्रह्म के साथ मिलता है प्रेम, गुण रहितम, ईश्वर गुण रहित, ब्रह्म गुण रहित। प्रभु में कौन गुणा आरोपित कर सकते हैं? हाँ, अपना अपना भाव उड़ेल दे बात और है, उनमें कुछ नहीं है। वो तो बिल्कुल तीनों गुणों से बाहर है, बहुत पर। हम अपना भाव उड़ेल देते, सीधी बात है। तो नारद जी कहते हैं प्रेम गुण रहित है, शास्त्र कहते हैं ब्रह्म गुण रहित है, कोई गुण नहीं है उसमें। विधि बारी हर मय वेद प्रास अगुण अनुपम गुण निधान। इनके नाम में इतनी क्षमता है तो स्वयं कितना गुण रहित रहा होगा। बिल्कुल गुण रहित है प्रभु। नारद जी कहते कामना रहितम, प्रेम कामना रहित होता है। सब भरत जी में लग जाएंगे, सब हनुमान जी में लग जाएंगे, अब ठीक से अभ्यास करेंगे। प्रेम कामना रहित है, ब्रह्म कामना रहित है, निकाम है ब्रह्म, उसमें कोई कामना नहीं। ये राम ये आपके मन में तो नहीं आया होगा, लेकिन व्यास गादी उठा रही, जहां रामायण में लिखा है निज इच्छा निर्मित तनु, ईश्वर को इच्छा होती है। ये बड़ा विचित्र मामला। ठीक है, अभिप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इनके लिए भगवान ने अवतार लिया, लेकिन 5-5 कारण गिना दिए गए। लेकिन गोस्वामी जी कहते कोई कारण नहीं, वो प्रकट हुआ है निज इच्छा। तो एक वस्तु स्पष्ट हो गई कि भगवान में भी इच्छा है, और भगवान में इच्छा, इच्छा कामना का रूप है। कामना रहित कैसे हुआ वो? निज इच्छा। मुझे तकलीफ है यहां,
उसको कैसे इच्छा पैदा हुई? जो अनेह व्यापक विभु, जो अनेह है, निरीह है, उसको इच्छा। और खास यहां तो निजी इच्छा दावा है, मेरी इच्छा से मैं प्रकट हुआ। हाँ, आपको अधिकार है आपकी इच्छा, लेकिन तो तुम्हारा ब्रह्मत्व कहां लटक गया? कहीं तुम्हारा ब्रह्मत्व कहां अटक गया, भटक गया? ब्रह्मत्व कहां रहा? तुम में कामना। तो फिर हमारी निजी इच्छाओं की आलोचना मत करो। तुलसीदास जी तो बहुत पकड़ते हैं ब्रह्म को। हे भगवान, तुझे भूख लगे और आंख में जलजलिए आ जाए और माँ का पालव पकड़ते कहते हैं तू कि माँ मुझे भूख लगी है, तो तुझे भी भूख लगती हो तो हम जीव हैं, हमको भूख लगे ना, तो आलोचना मत करना, रोटी दिला देना। तू भी तो रोता है, चितई माँ तुलागी अति भूखा। तुलसी का, राम भूख लगती है तो रोता, कृष्ण रोता है, तुझे भी भूख लगती है, तो फिर भाई हमारी भूख की क्यों आलोचना करता है तू? नीचे इच्छा, हो हो हो, मेरी इच्छा से मैं प्रकट हुआ। भले माना भाई तो आपकी इच्छा, लेकिन सिद्ध हो गया कि आप में भी इच्छा है। नहीं नहीं, ईश्वर में कोई इच्छा नहीं, कामना रहितम। नारद झूठे हो जाएंगे और कोई संत झूठा हो जाए वो गवारा नहीं। तो निज इच्छा का अर्थ प्रभु की इच्छा नहीं, मेरे जो निज भक्त है उनकी इच्छा से मैं प्रकट हुआ। मेरे जो निज भक्त है, जो मेरे जो अपने हैं, जो मेरे हैं, उनकी इच्छा। भगत प्रेम बस सगुण सो होई। और भगत कौन है? जो मेरे अपने हैं, जो मेरे निज हैं, उनकी इच्छा के कारण। मैं कोई प्रताप भानु के लिए नहीं आता, मैं कोई जय विजय के लिए नहीं आता, मैं कोई नारद श्राप दे इसलिए दौड़ दूं, ऐसी बात नहीं। ये सब बहाने हैं भीतर भीतर के। मैं आता हूं मेरे भक्तों की इच्छा के कारण। जब कोई मेरा भक्त कहता है कि प्रभु मेरी इच्छा है, आप तो कामना रहित है, लेकिन हम कामना से हमारे जैसा होकर आ, तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण, क्योंकि वो तो माया गुण गो गुण रहितम कामना रहितम। कहां माया है उनमें, कहां गुण है उनमें, लेकिन निज इच्छा निर्मित मेरे निज भक्तों की इच्छा के कारण में आता। इच्छा मय नरबेश सवारे हो प्रगट निकेत तुम्हारे। ये किसकी इच्छा है? मनु शत्रुपा की इच्छा है, ठाकुर की इच्छा नहीं, वो तो बिल्कुल इच्छा। और जो व्यक्ति में आप बिल्कुल इच्छा रहितता देखो, जांच करके बहुत अनुभव से सूक्ष्म दृष्टि से, और जो बिल्कुल इच्छा रहित आपको दिखाई दे, वो महापुरुष को ईश्वर के पास बैठने का अधिकार है, ऐसा वो महापुरुष है जिसमें कोई इच्छा नहीं। यदि इच्छा है तो भी जगत के लिए, जगत की इच्छा, भक्तों की इच्छा, क्या इच्छा? गुणरहितम कामना रहितम, ये ब्रह्म के लक्षण है। नारद के प्रेम के लक्षण है, वो ब्रह्म में लागू होता है, प्रेम में भी लागू होता है। आंख चाहिए प्रेम की, और क्या भी? ये तो तुम्हारा ये बस एक अस्पताल चल रही है, मोबाइल आंखों का ऑपरेशन हो रहा है 11 दिन से कि मोतियां निकल जाए, जामर निकल जाए, पर कहीं प्रेम का दर्शन हो जाए, क्योंकि आंखें नहीं देख पाती ना ये आंखें। दिव्यम ददामिते चक्षु। एक स्त्री को बीच में खड़े कर दो, आठ व्यक्ति बिलक बिलक रख दो, आठों व्यक्ति स्त्री को बिलक बिलक ढंग से देखता है। एक स्त्री, युवान स्त्री को रख दो बीच में, 25 साल 30 साल की युवती को, इधर बाप खड़ा है तो वात्सल्य से देखता है, इधर पति खड़ा है तो कांता भाव से देखता है, एक बेटा खड़ा है तो दौड़ेगा, मेरी माँ खड़ी है, मेरी माँ खड़ी है। उधर कोई उसकी ईर्ष्या करने वाली, जो इस पुरुष से वो शादी करना चाहती थी लेकिन उनकी हो गई, और जो सौतन भाव रखती होगी वो एक और खड़ा कर दो, तो उसको कितना द्वेष उस नारी को देखकर प्रकट होगा। और एक भूखे चित्ते को खड़ा कर दो,
दहाड़ता हुआ चित्ता, तो उसको एक ताजा गर्मा गर्म लहू और मांस की भूख लगेगी कि मैं अभी उसको काल कवल कर दूं। लेकिन एक तरह एक कोई कामी को खड़ा कर दो जिसकी वृत्ति ठीक नहीं, वो शिकारी भाव से देखेगा, प्रेम तो उसको भी होगा पति को भी होगा, लेकिन दोनों के बीच में खड़ी इस जो कामी है उसमें शिकारी भाव होगा और जो उनका पति है उनमें एक कांता भाव होगा। उसी पर कहीं जगह मिल जाए तो कोई प्रेमी को खड़ा कर दो, वो स्त्री को देखेगा तो गुण रहितम कामना रहितम देखेगा, कोई कामना पैदा नहीं होगी, ईश्वर की एक सर्वश्रेष्ठ कृति को प्रणाम करेगा। सियाराम मैं सब जग जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुगल पानी। प्रेम है तो माइलस्टोन भी शिव लगता है, और प्रेम न हो तो महादेव की शिवलिंग में भी एक गतानुगति और एक शुष्क कर्मकांड चलता रहता है। भाव की बात और है दृष्टि, कथा में सत्संग में दृष्टिदान होता है हम सबको, ये कोई हम दे रहे हैं ऐसी बात नहीं, रामचरित मानस हम सबको दे रहा है, हमारे सबकी आंखों का इलाज हो रहा है कि हम ठीक से देख उस प्रेम दृष्टि से देखो। किसी ने मुझे पूछा था कल भी कि बाबू आप प्रेम प्रेम कर दे, लेकिन हम में प्रेम नहीं है तो हम प्रेम नहीं कर सकते तो क्या करें? उसका जवाब सीधा, नफरत न करो, चलो ना प्रेम न करो, चलो रही बात, लेकिन नफरत न करो। ये तो कर सकते हो, इतना तो होता, किसी को नफरत न करो, किसी को धक्का न मत दो, तुम थोड़े हटके चलो ना भाई, तुम कौन ऐसे विशिष्ट हो, तुम जरा हटके चलो, किसी को धक्का ना दो, किसी को छोटा मत, जो तुम्हारे में प्रेम है तो ऐसी एक सृष्टि भरत जी की दृष्टि में है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जो प्रेम गुण रहित है, सत्व गुण भी प्रेम देवता को स्वीकार्य नहीं है, गुण मात्र बंधन है कोई भी हो। संतों ने कहा है जंजीर सोने की हो लोहे की हो क्या फर्क पड़ता है, बंधन आखिर बंधन है। मीठा मधुर गुजराती पंक्ति है, मन गमता पर बंधन अंते बंधन छे। मीठा हो मधुरा हो अच्छा लगता है, लेकिन बंधन बंधन है। लई जाए जन्म ना ये चक्रावे ये वो ये अवलंबन छे, लई जाए जन्म ना ये चक्रावे ये वो ये अवलंबन छे। मीठा मधुरा मन गमता बंधन बंधन जंखे मम मन आत आत्मा मुक्ति चाहती है, मन बंधन की चिंता करता है। इन जो इन द्वंद्वों में इन घर्षण में फंसे हैं हम, बंधन बंधन जंखे मम मन कहने का अभिप्राय, तमाम गुण बंधन है, प्रेम में कोई गुण नहीं, प्रेम निर्गुण है ब्रह्म की तरह, प्रेम कामना रहित है ब्रह्म की तरह, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमान। प्रेम उसको बस सीधी, ये तो बहुत गजब की व्याख्या नारद जी ने दे दी है,
ये जो तीसरी बात है, किसको प्रेम कहो, जो प्रतिक्षण बढ़ता ही रहे उसको ही प्रेम कहना। गोस्वामी जी उसका रूप उठाते हैं मानस में, छन छन नव अनुराग, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, प्रतिक्षण नूतन। पूछा कि प्रेम प्रकट हो जाए तो फिर क्या हो, प्रकट होने के बाद क्षण क्षण वृद्धि पामे उसको प्रेम कहते। न उसका नाश होता है, न उसमें जीर्णता छीर्णता आती है, क्षण क्षण बढ़े सो प्रेम। भरत जी कहते हैं सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़े अनुग्रह तू, प्रतिक्षण वर्धमान, गति बढ़ती ही जाए प्रेम में। इसलिए कोई कोई अवतरित होता, ये दशा बहुत कठिन है, बड़ों बड़ों के कटौती होने लगती है। और जिसको संसार में हम प्रेम कहते हैं वो तो बिल्कुल फेल हो जाता है इस सूत्र के साथ। शादी होती है तो लोगों एक दूसरों को लगता है प्रेम है बच्चों में, इधर उधर सब, लेकिन कितना समय रहता है, प्रतिक्षण वर्तमान है ये। अरे प्रतिक्षण छोड़ो, प्रतिदिन वर्तमान है, प्रतिदिन छोड़ो, प्रति मास छोड़ो, प्रति वर्ष नहीं है। बच्चे कितने ही प्यारे हो लेकिन घर में खेल कूद करे तो माँ बाप कहेंगे जरा बेटे बाहर जाओ ना, जरा खेलो ना बेटे, अरुचि आ जाती है, जाओ ना जरा घर में क्यों जाओ। पति घर में ही बैठा रहेगा 24 घंटा, देखो कितना प्रेम है, करो परीक्षा। कहेगी हिमालय की गोद में फिल्म लगी है, तुम जाओ ना जरा दिखाओ ना, इसका मतलब कि तू यहां से जा 3 घंटे कहीं, क्यों स्वीकार्य नहीं है, तुरंत कहेगा जरा जाओ ना कहीं, हुआओ ना मिलाओ ना। और पुरुष भी पत्नी को सामने नित्य बैठी रहे तो क्या हो, वो तो बेचारा बोल नहीं सकता कि तू बाहर जा, ये तो बड़ा मुश्किल है। शक्ति रूपेण तो वो बेचारा बहाना बनाएगा, वो क्या करेगा, ऐसा तो नहीं कहेगा कि तू जा तो तकलीफ होगी, तो क्या कहेगा, अरे तू कितना थक जाती है, सुबह से उठना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, फिर मेरा नाश्ता बनाना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर थोड़ा शॉपिंग करना, फिर तुझे कितना, फिर पड़ोस में जाकर झूठी अच्छी सच्ची बातें करना, कितना तुझे काम है। तो तू बाहर जा ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे चिंता होती कहीं तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो तू 2 घंटे सो जाना, लेकिन तू जा यहां से बस, प्रतिक्षण वर्धमान कहां है। बस ये बहुत अद्भुत लगता है मुझे ये बात, कोई जो कहे कि मुझ में प्रेम है तो बस उसी तराजू पे तोलना, क्षण क्षण बढ़ रहा है प्रति क्षण। नारद जी की घोषणा, गोस्वामी जी की घोषणा, क्षण क्षण नहीं होता, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है। अब ब्रह्म वर्धमान है, ब्रह्म तो न बढ़ता है न घटता है, लो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहां, फिर न दूर है न निकट है, न कठोर है न कोमल है, कठोर मानो तो वज्र से भी, कोमल मानो तो कुसुम से भी। लेकिन ब्रह्म में ये सामर्थ्य जरूर है, वो चाहे तो क्षण क्षण बढ़ता है। पद पाताल शीश अज धामा, कोई आंखें उसको देख पाए, और छोटा हो जाएगा तो बिल्कुल किसी के घर नौकरी करना लगेगा, इतना छोटा हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म की तुलना में, प्रेम की तुलना में, वो भी चाहे तो बढ़ता है, क्षण क्षण बढ़ता है, क्षण क्षण बढ़ता है।
उनसे ही प्रकाशित सूरज को देखो ना, एक क्षण पहले देखो तो एक अभी कोर निकली थी, दूसरी क्षण देखो तो निकल गया, तीसरी क्षण देखो तो आधा हो गया, चौथी क्षण 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 वध, उनका आश्रित, वरना तो न तद भाषयते सूर्यो न शशांक। चंद्र निकलता है, डूबता है, जाता है, तो देखिए धीरे धीरे, एक क्षण इधर देख कर जाओगे, थोड़ा और चला गया, थोड़ा और चला गया। उनके आश्रित में एक क्षमता है तो ब्रह्म में तो होगी, वो तो सर्व समर्थमान है, सर्वशक्ति प्रतिक्षण वर्धमान। प्रेम वो है जो प्रतिक्षण, भरत की प्रेम सरिता में बाढ़ ही बाढ़। हाँ, कुछ समय ऐसा जरूर आया था कि चरण वापस लौट रहे थे, माता की करणी याद आती थी तो चरण ढीले हो जाते थे, और भगवान की कृपालुता याद आती थी तो दौड़ पड़ते। ये जो गोस्वामी जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते, जल अली का दृष्टांत देते हैं, जल अली मानी पानी की भंवरी, जल अली, जल प्रवाह, जल अली गति जैसे, पानी की भंवरी की जो स्थिति होती है, क्या सटीक दृष्टांत लाते हैं गोस्वामी जी। बाकी तो प्रेम का लक्षण है बाप प्रतिक्षण वर्धमान। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा, आप लोगों का कथा में प्रेम है, इसलिए रोज कथा सुनने का मन होता है, और सुने और सुने। हमको तो है ही दावे के साथ, इसके बिना तो मर जाएंगे हम। प्रतिक्षण आनंद आता है कथा कहने। मुझे कल हमारे पत्रकार भाई लोग मिले, पूछते थे, बापू कभी आपको विषाद हुआ? मैंने कहा, जिसको प्रसाद मिला मारो गोली विषाद को। प्रसाद ही प्रसाद बरस रहा है, और रामचरितमानस का आश्रय करने के बाद कोई विषाद में रहे तो मेरा मानस बदनाम हो जाएगा। प्रेमांबु पूरम शुभम, यह है, प्रेम से व्यक्ति को भर देता है मेरे भाई। और यदि विषाद हो तो अपनी कमी है, अपनी थोड़ी वो है। कथा सुनते समय आप भी कितने प्रसन्न दिखाई देते, बड़े आनंदित दिखाई। लेकिन आज जो विवेक की मैंने चर्चा की कि विवेक का जहां नहीं मिला, आप वो वशिष्ठ जी की बात है, विवेक छोड़ मत देना। फिर मुझे विवेक की याद दिलानी पड़ती, प्रतिक्षण वर्धमान जो छन छन बदे। भगवान की कथा सुनने के लिए तो समझना कथा में प्रेम है। ठाकुर जी का नाम लेने में क्षण क्षण भाव जगे, कब मैं नाम लूं, समझो प्रेम बढ़ा। संत दर्शन सदगुरु सत्संग की इच्छा हो जाए, भाव जगे बार बार, समझो प्रेम, लेकिन बढ़ता रहे बढ़ता रहे, वो प्रेम का स्वरूप है प्रतिक्षण वर्धमान। तो गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमान अविच्छिन्नम, एक धारा रसरूप जिसमें जरा भी विच्छिन्नता ना आए, अविच्छिन्न चलता ही रहे, एक धारा भले बढ़े ना, कम से कम एक धारा में रहे, अविच्छिन्न, कोई तोड़े ना, कोई ब्रेक ना करे बीच में। ये प्रेम का लक्षण है, चलता रहे चलता रहे। प्रेम को स्थूल रूप में दर्शाने के लिए माता और बालक के दृष्टांत दिए जाते, लेकिन वो अविच्छिन्न रहता है भाई। माताएं अदालत में जाती है, संतान अदालत में जाते हैं, अविच्छिन्न कहाँ रहती है? ब्रह्म की तुलना में जिस प्रेम को रखा जा रहा है वो प्रेम का लक्षण है अविच्छिन्न, उसको कोई छिन्न भिन्न न कर सके, उसको कोई मिटा नहीं सके। तो गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतर होता है प्रेम। प्रेम का कोई स्थूल रूप थोड़ा है, सूक्ष्म रूप होता है। प्रेम का विग्रह स्थूल नहीं, सूक्ष्म रहता है, सूक्ष्मतर होता है, बहुत सूक्ष्म रहता है प्रेम, बहुत छिपा छिपा रहता है, बहुत अपने को बचाए रहता है प्रेम। एक रिक्शा वाला जा रहा था तो एक आदमी ने उसको रोका, ए रिक्शा रुक गए, क्या भैया?
बोले इस गांव में कोई संत रहता है ऐसा मैंने सुना है, वहां जरा पहुंचा देना भाई। बोले बैठ जाओ, तुझे पता है ना उसका? बोले हाँ। रिक्शा उसने चलाई, रिक्शा वाले बड़े विचित्र होते हैं, सबसे उपदेश लो। कल मैं सबको मिल रहा था ना तो एक कोई आया पागल, बोले पागल हूं। मैंने कहा बस जल्दी मुलाकात करवाओ, बुद्धिमानों से ज्यादा अच्छा है पागलों से मुलाकात हो, इसमें से कुछ पकड़ा जाता है, उसमें कुछ मिलता है। इनकी पागलों की आंखें देखिए, लाख ज्ञान की चर्चा करते हैं लेकिन अकिंचनता देखिए। ब्रिज पर बैठा रहता, मैं कानपुर में रोज देखता था, बादशाह बैठा रहता था ब्रिज, न जगह चुकता था न समय चुकता था। मैंने कहा नमन प्यारे नमन, उसकी एक मस्ती होती बादशाह। रसेल ने एक रस में मुझे एक बुद्ध का पुस्तक, हमारे पूना से एक भाई आया, उसने ओशो का पुस्तक दिया बाबा जी बुद्ध के बारे में, यहाँ ही आया अब गया कल ही गया, वो हर वक्त कोई ना कोई पुस्तक वहाँ से ले आता है। तो उसके मैं पन्ने पलट रहा था तो उसमें मैंने रसेल का एक स्मरण पढ़ा कि उसने एक कुछ लिखा बहुत सीजर के, जूलियस सीजर के बारे में उसने लिखा, तो बहुत बातें उसने लिखी। तो एक आदमी का उस पर पत्र आया रसेल पर कि आपने जो लिखा है सब ठीक लिखा, उसने कुछ विद्रोही बातें लिखी थी इसमें। तो वो मानता नहीं था कि कोई मुझे पूर्ण रूपेण स्वीकार करे इस बात को, लेकिन एक आदमी ने उसको पत्र लिखा कि आपने बहुत सुंदर लिखा है, बहुत अच्छी बातें लिखी है, एक भूल की है आपने, बाकी सब ठीक लिखा। तो जब पत्र मिला तो वो बहुत राजी हुआ रसेल कि चलो मेरी तो विद्रोही बात थी, कोई इसमें सहमत होने वाला नहीं, लेकिन एक आदमी ने करीब करीब 99% मेरी बात कबूल कर ली और एक ही बात में उसको तकलीफ है, तो वो बात जो उसने भूल निकाली वो मेरे लिए भी आदरणीय हो सकती है। तो उसने रात्रि भोज को बुलाया उसको, भैया आइए ना रात्रि को साथ में भोजन करेंगे, आपने आपका पत्र मिल गया आप आइए। तो वो आया, बोले मेरी आपने सब बात कबूल की लेकिन एक भूल आपने लिखी है कि ये चूक हो गई, मैं पूछ सकता हूं वो चूक कौन सी? बोले सीधी सी चूक है क्या कि आपने उसमें लिखा है जूलियस सीजर मर गया, ये बिल्कुल गलती है। अरे बोले उसको मरे तो इतने साल हो गए लेकिन मैं बैठा हूं कैसे, ये एक ही बात गलत है तुम्हारी कि सीजर मर गया, ये तुमने किसको माहिती दी? बोले तू मर गया इतने साल हो गए, अरे चुप रहो शांतम पापम, मैं बैठा हूं मौजूद, ये है पागलों की मस्ती, बड़ी अच्छी है। पागलों में एकाग्रता भी बहुत होती है, वो तो बिना पागल हुए उसकी व्याख्या करना भी तो ठीक नहीं है क्योंकि ये तो केवल पांडित्य हो जाएगा, ये इसमें उतरे बिना उसको, वो तो वही जाने घायल की गति घायल जाने। बड़ी दुनिया, मैं तो पागलखाना देखने जाता हूँ जिस गांव में होता है और समय मिल जाता तो मैं अक्सर, कहाँ गए थे हम? रांची गए, फिर पहले गए थे वहाँ अपने महाराष्ट्र में कल्याण के थाना, थाना जय सीनियरों बैठा थे बता, थाना में जो हमने दर्शन किए क्या बादशाह बैठे थे, ओहो दर्शनीय वंदनीय, लेकिन ज्यादा टिकना मुश्किल, क्या आप बैठे थे सर, बहुत अच्छा लगा। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, स्वामी रामतीर्थ। तो क्या मैं बात कर रहा था? रिक्शा वाले, बोलो रिक्शा वाले बड़े अच्छे हो, उसमें बैठने का भी आनंद आता है, मजा आता है। तो एक रिक्शा वाला था तो उसमें एक भाई बैठा और वो भाई जरा वाहन में बहुत डरता रहता था, तो उसने रिक्शे वालों को कहा भैया धीरे धीरे चलाना, मैं रिक्शा में पहली बार बैठ रहा हूँ, जिंदगी में नहीं बैठा हूँ, पहली बार बैठा हूँ, डबल सवारी साइकिल की है रिक्शा में नहीं, धीरे धीरे चलाना।
संभाल कर चलाना। तो उस रिक्शा चालक ने कहा कि तू भी संभाल कर बैठना, मैं पहली बार चला रहा हूँ। देश में भी ऐसी दशा है, कुछ लोग पहली बार ही रिक्शा चला रहे थे। ऐसी दशा कर आजादी की स्वर्ण जयंती मैं इस साल बाबा जी मानसरोवर से जो शुरू किया तो अगली 15वीं अगस्त तक सब कथाएं राष्ट्र की आजादी के स्मरण में कर रहा। अगली 15वीं अगस्त तक सभी मेरी कथाएं राष्ट्र देवो भव के चरणों में समर्पित हो। इसलिए हम लोगों भी लगवा रखते हैं कि आजादी का राम प्रेम और राष्ट्र प्रेम दोनों बढ़ना चाहिए। इस राष्ट्र में राम प्रेम और राष्ट्र प्रेम की जुगपत धारा बहे, ये जरूरी है। राष्ट्र देवो भव। हे मेरे प्यारे वतन, हे मेरे पिछड़े चमन, तुझे प्यारे वतन, ये मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू है मेरी आरजू, तू ही है मेरी आरजू, तू ही राष्ट्र की महानता जन जन में होनी चाहिए। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारा सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। हे मेरे प्यारे वतन, बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। जनगण मन अधिनायक, जय है मेरे भारत भाग्य विधाता। भारत का गौरव खूब हो, युवान भाई बहनों में तो खास खूब हो इस देश का। ये जागृति नहीं आई तो वैसे देश का भविष्य कोई हमको वो तो नहीं लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। फिर भी जो कुछ बीमारियां हैं राष्ट्र में उसको विदा देने के लिए जागरूक रहना, राष्ट्र गौरव बढ़े जन जन, ये आवश्यक है, जरूरी है। कितनी गड़बड़। एक अखबार में मैं कार्टून पढ़ता था बहुत समय पहले, मैंने कई बार कथाओं में कहा, कार्टून छोटा सा था, शायद लक्ष्मण का ही था, किसका खबर नहीं, कोई था वो कार्टून, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें एक पत्नी अपने पति को डांट रही थी कि हर वक्त आप मेरे पास बोलते थे कि देश में जो प्रथम पंक्ति के जितने नेता है उनमें मेरा नाम है, खाक तुम्हारा नाम है, कोई घोटाले में आपका नाम तो आया नहीं। मेरे से सिना तान कर कहते बस प्रथम पंक्ति में मैं हूं, वरिष्ठों में मैं हूं, सबके नाम आ गए, आप तो हाउ। ऐसे समय में बाप किसी की आलोचना किए बिना हम इस राष्ट्र को ऊपर उठाएं, समर्थ बनाएं राष्ट्र को, अद्भुत। और भारत महान बनेगा भरत की विचारधारा से, क्योंकि भारत की आत्मा रामचरितमानस का भरत है, तभी ये घटना घट सकती है। वंदे मातरम।
सारे जहां से अच्छा। ये जब पंक्ति में याद करता हूं तो मुझे राकेश शर्मा याद आता है, वो प्रथम बार अंतरिक्ष में जो गया हमारा देश का युवा और वर्तमान प्रधानमंत्री जो थे, उसने टेलीफोन पर बात की थी अंतरिक्ष में जब वो घूम रहा था, तो उसको पूछा था उसने कि आप हिंदुस्तान पर से गुजरते हैं तो जरा बताएं, अपने राष्ट्र का उस प्रधानमंत्री उस समय का पूछ रहा कि उस समय आपको हिंदुस्तान कैसा लगता। क्या उसने तत्क्षण जवाब दिया था कि आज हिंदुस्तान पर से जब गुजरता हूं तो लगता है सारे जहां से अच्छा ये हिंदोस्तान। ये भाव जगना चाहिए एक एक व्यक्ति में, हर क्षेत्र के लोगों। घोर तिमिर घन निबिड निशीथे पीड़ित मूर्छित देशे, जाग्रत छिल तव अविचल मंगल नत नयने अनिमेषे, दुस्वप्ने आतंके रक्षा करिले अंके, स्नेहमयी तुम माता जनगण मन अधिनायक, जय है भारत भाग्य विधाता। राष्ट्र की बातें। परीक्षा चालक ने कहा कि चिंता मत कर, तू पहली बार बैठा है ना, मैं पहली बार चला रहा हूं, कभी कभी देश का संचालन भी ऐसा हो गया। खैर, तो पूछा उस खोजी ने रिक्शा चालक को कि इस नगर में इधर उधर कोई संत रहता है, मुझे वहीं ले चलो, जानते हो? बोले हाँ जानता। तो जैसे उसने शिक्षा चलाई तो वो पीछे बैठा था, उसने कहा रिक्शा रोको। अरे बोले अभी तो दो कदम, बोले रोको। रोक दी क्यों? कि तुम माने न माने, तुम में से मुझे संत की खुशबू आ रही, और कहती है कथा रिक्शा से उतर कर वो रिक्शा चालक फूट फूट कर रोने लगा। बोले क्यों? आज मेरा प्रेम प्रकट हो गया, मैंने सूक्ष्म प्रेम को दबाया था, कोई मुझे पहचान न पाए, लोग सोचे कि रुपये रुपये में रिक्शा का फेरे करने वाला है, लेकिन आज तुझे पकड़ लिया, मैं जो प्रार्थना मेरी जो दिल की प्रेम की भावना है मैंने आज तक छिपाए रखी, लेकिन तू पक्का खोजी निकला कि पिछली सीट पर बैठकर मुझे पकड़ लिया, मेरा प्रेम आज प्रकट हो गया, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। ये है प्रेम का सूक्ष्मतर रूप, गुणरहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम, सूक्ष्म रूप है प्रेम का। और नारद जी कहते हैं अनुभव रूपम, प्रेम अनुभव रूप है, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, अनुभव की वस्तु है, सीधी सी बात, अनुभव, बताना नहीं पड़ता, कहना नहीं, सब अनुभव होने लगता है। वो देहाती बात नहीं, एक एक स्त्री को प्रसूति होने वाली थी तो वो अपनी नंदी को कहने लगी, देरानी को कहने लगी कि जब मुझे बालक पैदा होना तब मुझे जगा देना, बहुत पुरानी बात है ना। बेचारी भली भोली पहली प्रसूति थी, खानदान कुल की बेटी बहुत शर्माती हुई पूछती है अपनी देवरानी को कि बहन बालक का प्रसव होना, मैं बहुत नींद आती है, थक जाती हूँ, शायद सोई रहूँ और बालक प्रकट हो जाए तो मुझे जरा बता देना। देवरानी ने या तो जेठानी ने व्यंग में कहा कि बालक पैदा हो गए ना तो होगा, तब तुझे जगाना नहीं पड़ेगा, तू पूरे घर को जगा देगी। जैसे प्रेम प्रगटता होता है अनुभव रूपम, फूल खिलने लगते हैं मेरे भाई बहन, हर तरफ बजने लगी आज सैकड़ों शहरा, ये तो अस्तित्व को खुशबू से भर देता, कहना पड़ता अनुभव रूपम। व्याख्या तो मैं फिर एक बार कहूं, बोलने के बाद भी सोचता रहता हूं कुटिया में कि ये क्यों बोला जा रहा है, ये क्या, ये बोलने से कुछ बात सिद्ध होने वाली है? जितना एक कोने में बैठकर रोने से सिद्ध हो जाती है, लाख बोलूं कभी सिद्ध होगी बात, लेकिन शब्द से हम कुछ झलक पाते हैं इसलिए उसमें उलझना पड़ रहा है। बाकी कैसे सिद्ध, अनिर्वचनीयम प्रेम है नारद जी में, मुका स्वादनवत है,
गूंगे केरी शर्करा खाई और मुस्कुराई। अनुभव रूप उसको कैसे, और जब तक बोला जाए समझना अधूरा है, अधूरा है समझना। ये सब सब कभी करुणा बुलवा लेती है, कभी स्वांत सुख बुलवा लेता है, बाकी बोलने में तो टूटा जा रहा है। इतना सस्ता थोड़ा है कि बोलने से हो जाए। अरे काश इतना सस्ता होता, काश होता इतना सस्ता प्रेम। तो 38 साल से बोल रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, इतना सस्ता नहीं। तो रोज बोल लेने के बाद सोचता रहता, तो एक ही विचार मेरे दिमाग में घूम रहा, नहीं क्यों कि भाई ये क्यों प्रयास हो रहा, ये चर्चा का विषय है, ये तो रोने का विषय है, ये तो किसी के आदमी सिसक सिसक कर उसको पुकारने का ही है। कैसे? लेकिन बोलना, क्योंकि बोलने से भी कुछ झलक मिल जाए तो फायदा हो जाए, एकमात्र ये उपाय है। अभिव्यक्ति तो इसीलिए है, कभी अनुग्रह कारण बन जाता है, कभी अनुभव जो हो जाता है तो बांटने की इच्छा हो जाती है कि चलो थोड़ा कह दे, थोड़ा कह दे, थोड़ा कह दे, स्वार्थी न बने। बाकी कैसे कहो, बोलने वाला सस्ता हो, ध्यान देना, जब बोला जाए तो सस्ती बात है, इतना सस्ता ये नहीं है जिसकी चर्चा हो रही है, इतना सस्ता थोड़ा है। वो केले वाले की दुकान पर एक आदमी गया, एक दर्जन केला कितने रुपये, 10। उसने कहा तुम्हारे सामने दुकान है वो तो 5 रुपये में दर्जन देता है, तो बोले वहीं से ले लो ना। बोले वहां स्टॉक नहीं है। बोले मेरे पास नहीं होगा तब मैं 1 रुपये में दर्जन देता हूं। वो बोले 5 रुपये में देता है, तो बोले वहीं से ले लो ना। बोले वहीं गया था लेकिन उसके पास केले नहीं, जिसके पास होता नहीं वो तो बहुत सस्ता कर देता है, मेरे पास स्टॉक खाली होता नहीं तो मैं केला 1 रुपये में दर्जन देता हूं, क्योंकि है ही नहीं। ये बहुत अनिर्वचनीय बात है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, न वाणी की पहुंच है न मन की पहुंच है, ऐसा ये साहस है। फिर भी बोलते बोलते कृष्ण नाम लेते यदि आंख भीग जाए, गोविंद नाम सुनते यदि हृदय में कोई गदगद भाव आ जाए, तो एक झलक मिल जाए, एक परख मिल जाए कि नहीं है, इतना तो पक्का हो जाए कि ऐसी स्थिति में कोई रहता है, एक मार्ग सूझ जाता है, एक मार्ग मिल जाता है। इसलिए पुकार है, श्री बांके Oh,
प्यारी को रीजे रीजावे राधा प्यारी को यछवि देख मगन निर्वचनीयम मुख को जैसे स्वाद का बयान नहीं कर सकता ऐसा ही अनुभव रूपम उस प्रेम की चर्चा कोई झलक मिल जाए इसीलिए बाकी कौन कह सकता है कौन उसको शब्दों में डाल सकता है। तो गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतर होता है सूक्ष्मतम उसका स्वरूप है और अनुभव रूप है गोस्वामी जी कहते हैं। इसीलिए शंकर बोले हरी ब्याक सरण
सब रहित बिरागी अग जग माय सब रहित कुछ कथा का क्रम भी निभा ले। भगवान जनकपुर में पधारे हैं। मिथिलेश जनक महाराज ने विश्वामित्र जी के संग आए, दोनों राजकुमारों को सुंदर सदन में ठहराए। सब प्रकार की जहां सुविधा थी, सुंदर सदन सुखद सब काला तहां वासु में दीन हुआला। सब काल में जो सदन सुख देता है उसी भवन में प्रभु को ठहराए। दो राय हैं, मानस में लिखा है इसी निवास सुंदर सदन। जानकी जी जहां निवास करती थी उस सदन का नाम सुंदर सदन था। अब राम जी को भी सुंदर सदन में ठहराए तो इसका मतलब ये हुआ कि सियाजू को जनक जी ने सुंदर सदन से अपने भवन में ले लिया और अतिथि को वहां निवास करवाया। और एक अर्थ में बात मन में बैठती भी है कि जानकी जी जहां रहती है वही तो सुंदर है, जहां सीता नहीं वहां कौन सुंदर। लंका की भूमि है, असुरों की भूमि, लेकिन जानकी जी वहां बैठी तो इस पूरे चरित्र की इस कांड का नाम मेरे गोस्वामी जी ने सुंदर कांड कर दिया। क्योंकि सुंदरता तो वहां होती है जहां सियाजू होती है, यानी जहां भक्ति होती है, जहां शांति होती है, जो अर्थ लगाओ। सीधी सी बात है और अनुभव की सबके बात है। जहां सीता जी रहती है, जहां भक्ति रहती है, वहां सब काल सुखद है, कोई काल वहां बिगड़ा नहीं। सुंदर सदन सुखद सब काला। भक्ति जिसमें आती है, भक्ति निवास कर जाती है, शांति निवास कर जाती है, जिस साधक को ये मिल जाता है उसका सब काल, उसका प्रत्येक समय सुखद होता है। तो सीताजी को वहीं से ले लिया और ठाकुर को वहीं। तो मिथिलावासी महात्मा लोग तो कहते नहीं नहीं, हमारी जानकी जी को वहां से हटाने वाला कौन है? सीता को वहां से हटा दिया जाए तो वो सुंदर सदन सुंदर रहता ही नहीं, असुंदर हो जाता। तो फिर जुगल की उपासना में मानने वाले मिथिला के महापुरुष लोग कहते हैं मिथिला में दो सुंदर सदन थे,
एक में तो सियाजू और एक पहले से तैयार रखा था कि भक्ति है तो कभी न कभी भगवान को आना ही पड़ेगा, और तब उसको इस दूसरे सुंदर सदन में ठहरा, क्योंकि जुगल की उपासना मिथिला की रही। मानसकार, मिथिलावासी तो कितने विचित्र विचित्र महात्माओं की उपासना पद्धति मिथिला में बड़ी विचित्र रहती है। हम मिथिला गए कथा, तो एक महात्मा ने हमको बताया कि यहाँ एक महात्मा बड़े बड़े कुत्ते रखते थे। बनी घटना बता रहे, बड़े बड़े कुत्ते, खूब बहुत भयंकर कुत्ते, और बोले इतने सीताराम जी के प्रेमी थे, तो कोई उसको पूछता कि बाबा इतने बड़े बड़े कुत्ते क्यों रखते हो, महात्मा हो ये कुत्ता जचता नहीं। तो वो कहते कुत्ता इसलिए रखता हूं कि यहाँ हमने राम जी को रोक रखा है, हम विदा देते ही नहीं मिथिला से, यहाँ रोक, क्योंकि अयोध्या जाते ने तो उसको सब राज्य की झंझट, फिर वनवास वाली बात, ये बात ये बात, इसलिए हम यहाँ ससुराल में ही उसको रखते हैं ताकि यहाँ विश्राम करें। ससुराल में दामाद को करीब करीब विश्राम ही होता है। हाँ, कोई आज्ञांकित तो हो, बाकी करीब करीब विश्राम रहता, तो भगवान यहाँ बिल्कुल आराम से रहे, इसलिए हम। तो बोले ये तो ठीक है, समझे बात कि आपका ठाकुर जानकी सीता जी यहाँ बहुत आराम से रहे इसलिए आप, लेकिन इसमें कुत्ते कहाँ बैठता है बीच में, कुत्ते के कैसे बात जमती है कुत्ते। बोले आप नहीं समझते, मुर्गा बोले ना तो तुरंत राम जाग जाते, और जाग जाए तो फिर उसको इतनी नींद कम हो जाएगी, और ब्राह्मण मुहूर्त में जाग जाए तो फिर वो नींद विश्राम। तो हम कुत्ते रखते हैं इसीलिए कि कुत्ते के डर से मुर्गे डरते हैं, और मुर्गे बोले ना इसलिए राम को लगे कि अभी सुबह नहीं हो, सुबह नहीं हुई इसलिए राम ज्यादा आराम कर सके, इसलिए हम कुत्ते पाल रहे हैं बलिहारी। ये महात्माओं की महिमा। एक महात्मा तो अभी है ना, अभी जो मिले थे हमको कहाँ मिले, रांची में मिले, वो बूढ़े महाराज जानकी जी को जो अपनी बेटी मानते हैं, अभी तो बूढ़े हो गए, तो हम गए उसके पास दर्शन के लिए, रो पड़े, और फिर एक शॉल और कुछ रुपये दिए हमको। हमने कहा बाबा आप बुरा न माने तो हम कुछ क्षमा करें इससे हमारा। बोले नहीं बोलो ही मत, मिथिला में आए हो। मेरे साथ बनी घटना, बोले जानकी हमारी बेटी है और तुम जानकी को क्या मानते। बोले माँ तो तुम हमारे भांजे हो, और भांजा कभी नाना के घर से खाली हाथ कैसे जाएगा, और हमने रुपया लेना पड़ा। बोले महाराज वैसे तो कुछ है? बोले नहीं, और इस बात पर हमने ले लिया। अपनी अपनी उपासना की पद्धति है। वही महात्मा भी रांची में मैं था, वहां आए तो मुझे किसी ने बताया कि बाबा जी यहाँ विराज रहे, तो हम गए मिलने, रो पड़े। कितना थोड़ा साल का फासला हो गया बीच में, रो पड़े। तो फिर मैं बैठे थे, मैंने कहा बाबा जी क्या, मुझे लगा कि भाव से स्वाभाविक भाव में रहते हैं, ऐसे ही भाव दशा, तो एकदम रो पड़े। थोड़े बीमार भी थे, लेकिन उसने जो कारण बताया, जो बड़ा विचित्र कारण दिखाया, तो जब सबने पूछा बाबा अवश्य, बोले रोए ना, कौन नाना अपने भांजे की दाढ़ी सफेद देख सकता है। अच्छी बात, अरे बोले इतने सालों के बाद तू आया तो ये सब सफेद हो गया, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको ठीक नहीं लग रहा। अपने अपने भावों की मस्ती है, मिथिला मिथिला है, हाँ उसमें तो गालियां भी वेद है, हाँ गाली देते हैं तो मानो श्रुति बोली जा रही है। ऐसी बात है, तो दो सुंदर सदन हैं, जुगल हैं, एक में सियाजू एक में सरकार। दोपहर का भोजन हुआ, थोड़ा विश्राम हुआ, और भगवान राम जी ने बाबा विश्वामित्र जी को कहा कि महाराज लखन नगर देखना चाहता है, तो आप कहो तो मैं जाऊं और उसको नगर दिखा करके तुरंत ले आऊं। बूढ़े बाबा विश्वामित्र जी ने कहा कि लखन नगर देखना चाहता है तो आप क्यों बोलते हैं, उसको बोलने दीजिए ना, वो चाहता है ना, आपको तो कुछ देखना नहीं। बोले नहीं हमको क्या देखना, तो फिर उसको बोलने दो। बोले वो संकोच का मारा बोल नहीं रहा, उसको संकोच,
प्रभु सकोच डर प्रगटन का ही, संकोच के कारण प्रकट नहीं कर रहा। तो भगवान विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, आपने उसके बदले में प्रकट कर दिया तो ठीक है, मैं कहता हूं लखन देखा है। कहा कि नहीं महाराज, मैं साथ में, आपको जाने की क्या जरूरत है? बोले महाराज मुझे कुछ देखना नहीं है, लेकिन लखन कहीं भुलावे में न पड़ जाए, ये बड़ी नगरी है, कहीं चुक जाए रास्ता तो उसको नगर दिखा करके मैं ले आऊं, क्योंकि उसने नगर देखा नहीं है। विश्वामित्र जी ने राघवेंद्र का हाथ पकड़ा कि लखन ने नगर नहीं देखा तो तुमने पहले देखा है? अरे बाबा क्यों सब खुलवाते हो, जग पे खन तुम देख विधि हरि संभो न चाव निहारे। तो महाराज लखन अकेला है, जीव धर्म के आचार्य है ना, संतों ने ये अर्थ निकाले है कि जीव अकेला जनकपुरी में घूमेगा तो कहीं भूल जाएगा। जीव को चाहिए जगत में घूमे, लेकिन राम को संग लेकर घूमे। ये दुनिया को देखना पाप नहीं है, राम की आंख से देखो बस इतना ही। देखना तो कोई बुरी बात थोड़ी है, रूप की सार्थकता के लिए देखना संयम है प्रेम धर्म का, जिसकी चर्चा मैंने शायद कल की। तो देखना कोई गुनाह थोड़ा है, लेकिन राम की आंखों से, राम की दृष्टि से देखे। बाकी तो दुनिया, कबीर साहब क्या कहते हैं, ये दुनिया दर्शन का मेला है, कबीर साहब कहते हैं। देखने जैसा सुंदर है, लेकिन कोई सदगुरु की आंख से देखा जाए, प्रभु की दृष्टि से देखा जाए। इसलिए राम संग में कहीं समय न बीत जाए, देर न हो जाए, समय पर सदगुरु की दृष्टि संग में होगी तो हमको लौटा देंगे, समय पर हमारा प्रत्याहार कर लेंगे। इसलिए राम संग जरूरी है। दोनों भाई निकलते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, बस विश्वामित्र जी ने कह दिया कि अब मैं समझ गया, आप नगर देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, नगर के नेत्रों को सफल करने के लिए जा रहे। कर हो सफल सबके नयन सुंदर बदन। अरे वृक्ष हो, फूल भी आ जाए, लेकिन फल ना आए तो इन मिथिलावासियों को राम जी नेत्र तो मिले हैं, लेकिन नेत्र का फल नहीं मिला है। इसलिए करहूं सफल सबके नयन, सबके नेत्र को सफल कर दो। इस मिथिला में राम, आपको पता होगा, महाराज जनक की जो महारानी है उनका नाम सुनैना है, लेकिन वो एकमात्र सुनैना है। आप जरा नगर में चक्कर लगाओ तो पूरी नगरी सुनैना हो जाए, सुंदर दृष्टि वाली पूरी नगरी हो जाए। इसलिए आप जाइए, आदेश मिल गया, आज्ञा मिल गई, और दोनों भाई निकल पड़े। और जैसे प्रभु ने राजमार्ग पर कदम रखा और भीड़ उमड़ पड़ी, परमात्मा की वय के समवयस्क बालक भगवान के संग संग दौड़े हैं, छू ले रहे, बताते ये फला दुकान है, फला चौक है, फला है, इस बहाने बालक छू रहे हैं प्रभु को। पुरुष लोग थे, जो बड़े बूढ़े लोग, जो बुजुर्ग, जो बड़े बड़े, वो सब कतारें लग गई रास्ते के दोनों भाग में, राम को देख रहे चुपचाप। मिथिलानी महिलाएं हैं वो अटारी में सब लग गई और झुक झुक कर राम का दर्शन कर रही। तीन प्रकार के दर्शक, ये बालक जो है निर्दोष, वो भगवान के श्री अंग को छू गए, लेकिन ये पुरुष लोग जो है वो जरा बड़े अपने आप को वो समझते हैं तो भगवान के पास नहीं जा पाए, चुप चुप देख रहे। बड़े ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, सब खड़े रहे। ज्ञानी लोग भगवान को देखते हैं लेकिन वो देख रहे बस। लेकिन माताएं भक्ति स्वरूपा है, जो मिथिलानी स्त्रियां, वो तो जरूखे से प्रभु को देख रही हैं। गोस्वामी जी तो इन अटारियों में रही मिथिलानी सीमंतनियाँ जो हैं उनकी परस्पर चर्चा का लेख लिख देते हैं मानस में। बाबा बोले
निरखहि राम रूप अनुरागी करहि परस्पर वचन सपी सखी न कोटि काम छवि युतियां भवन के जरोखे में लग गई। राम रूप को अनुराग से देख रही हैं, परस्पर सप्रीत चर्चा कर रही हैं। सखी देखना, इन्होंने तो कोटि कोटि काम की छवि को जीत लिया है। आगे बोले सुर असुर नाग मुनि माही शोभा असी कहूं सुनियत नाही सुनियत नाही। संसार में कहीं भी ऐसी शोभा देखी तो नहीं हमने, लेकिन सुनी भी नहीं। देखने का तो अवसर दूर, लेकिन श्रवण भी तो नहीं किया। ऐसी ये शोभा है, ऐसी ये सुंदरता। आगे बोले विष्णु चारि भुज मुख चारि विष्णु चारि भुज विकट वेश मुख पंच पुरारी विकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव अस कोन न आई यह छवि सखी पट करी एक सखी ने कहा अरे बहन मुझे लगती है कि साक्षात विष्णु हमारे दरबार में हमारे नगर में आए। अरे 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 बोली विष्णु के साथ तू तुलना करती है, अरे छोड़ राम ये राजकुमार के संग विष्णु की वो नहीं हो सकती। कहां विष्णु कहां ये शोभा। अरे बोले कैसे। बोले विष्णु को तो चार हाथ है, कोई अच्छा नहीं लगता। वो दो हाथ वाला अच्छा लगता है, उसको तो चार हाथ। तो दूसरे ने कहा ब्रह्मा। बोले नहीं विधि ब्रह्मा को चार मुख है। तो बोले शंकर। बोले उसको पांच मुख है विकट वेश मुख पंच पुरारी। कोई देव नहीं है संसार में जो इनके साथ जुड़ा जाए। अद्भुत शोभा है। कोई छवि संसार में इतनी नहीं कि इनके साथ इसकी। सभी सखियां चर्चा कर रही है, पुरुष लोग चुप है, बच्चे श्रीअंग को छूते हैं और माताएं परिचय प्राप्त करने में लगी है, लेकिन अभी किसी को पता नहीं। एक सखी दौड़ती आई। अरे बहनों बोले क्या हमने परिचय पा लिया है। ये कौन है आगे जो राह जा रहा है कौशल्या सूत पीछे लक्ष्मण उनका भी पाठ कर लो। कौन ऐसा शरीरधारी है जो इस रूप को देखकर मोहित न हुआ हो। आगे बोले प्रेम बोली मृदु बाणी सुनहु सयानी। एक सखी कहने लगी कि सुनिए मैंने जो सुना है वो आपको सुना रहे। बोले क्या सुना आपने। ए दो बस रथ के ढोटा बाल मरा हमने सुना है सखी कि ये दशरथ महाराज के पुत्र है और राजहंस है, बाल मराल की जोड़ी है, ये दोनों राजकुमार हैं दशरथ जी के और मानो राजहंस की जोड़ी हो, छोटे बाल मराल की जोड़ी हो। ऐसा आगे बोले मुनि को मख के रख
मखमारे मुनि कौशिक मख के रखवारे जिनरन रच निसाचर मारे। विश्वामित्र के यज्ञ के ये रक्षक हैं, रास्ते में अजय राक्षसों को इन लोगों ने मारा है। और आगे बोले श्याम गाते कल पंज बिलोचन जो मारी सुधर मदमोचन। श्याम शरीर कंज लोचन है वो जो आगे जा रहा है सांवरा राजकुमार, जो मारीच और सुबाहु को मारने वाले हैं। कौन है वो? हाथ में धनुष बाण धारण किए हैं, उनका नाम राम है, कौशल्या के पुत्र है सांवरा राजकुमार, और उनके पीछे पीछे जो चल रहा है वो कौन है? एक सखी बोली गौर किशोर देश भर का राम के पाछे राम के गौर शरीर जो है हाथ में धनुष बाण और राम के पीछे पीछे चारों ओर देखते देखते जो चल रहे हैं कौन है वो? लक्ष्मण नाम राम लघु गौर वर्ण है, धनुष बाण लिए हुए राम के पीछे चलते हैं, राम के लघु भ्राता हैं, इनकी माँ है सुमित्रा जी। बहुत खुश हुई सभी सखिया। गोस्वामी जी आगे बोले विश्वामित्र का यज्ञ पूरा करके रास्ते में अहल्या का उद्धार करके ये दोनों विश्वामित्र जी की प्रेरणा से ये धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं ऐसा मैंने सुना है जाना है। सुनकर सभी सखियां खुश हो गई। आगे बोले चल देखी राम छवि को एक कहे जोग जानकी यह बरु अहि यह बरु अहि। एकदम एक कूद पड़ी। अरे तूने परिचय दिया ठीक है लेकिन मुझे तो लगता है ये राम को देखकर मुझे लगता है कि हमारी किशोरी के लिए यही योग्य वर है यही उनके लिए योग्य है। और आगे जो सखी नहीं देख नर पन परी हरी हरी करई विवाहु भूपति पहिचाने मुनि समेत एक सखी कहने लगी कि यदि महाराज उसको देख ले जनक महाराज और धनुष वाली प्रतिज्ञा तोड़ दे और जानकी के साथ उसका संबंध कर ले तो कितना प्यारा। तो एक सखी ने कहा अरे भोली तुझे पता नहीं महाराज जनक ही तो उस महाराज के साथ विश्वामित्र के साथ सम्मान करके ले आए हैं। आगे बोले सखी परंतु मन राहुन गजई सखी परंतु पन राहुन तजई विधि बस हरिया अबे कही भजई।
क्या बताएं बहन, फिर भी जनकराज प्रतिज्ञा नहीं तोड़ रहे, विधि विपरीत हो रहा है, अविवेक हो रहा है। और आगे बोली, हो कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता, उचित फल दाता, तो जानकी मिलहि बर दे सब लोग, होई सब लोग। एक सखी ने कहा, भले महाराज जनक न समझे, लेकिन भगवान करे विधाता सबको उचित फल देगा, और ये संजोग यदि बन जाए सीता और राम जी का, तो हम सब कृतकृत्य हो जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे। और आगे, सखी हमारे आरती अति ताते, कब हम करे आवही यही नाते, आवही यही नाते। और ये संबंध जुड़ जाएगा ना, तो सखी कभी हमारे इसी आर्त नाते के कारण वो कभी कभी मिथिला आते रहेंगे, जाते हैं कभी सिया को लेने के लिए, सिया को छोड़ने के लिए, और हमको इनके दर्शन होते रहे। बाबा बोले, नाहित हम कहूं सुलभ सखी, इनकर दर्शन दूरी, यह संघटु तब होई जब पुण्य पराकृत हूँ। वरना ये सखी इनके दर्शन बहुत दुर्लभ है, ऐसा संजोग तो बहुत पुण्य पराकृत हो तो ही घटता है। और आगे बोले, बोली अपर कहूं सखी का बचिया अति हित सब ही का, हित सब ही का, को कह शंकर चाप कठोरा ये श्यामल विदुकार किशोरा। ये बात बन जाए तो कितनी अच्छी, लेकिन एक सखी कहने लगी कि शंकर भगवान का धनुष कितना कठोर है, और ये राजकुमार देखना कितना कोमल है। और आगे, सब असमंजस अहि सयानि यह सुनि अपर कहि मृदु वाणी, कहि मृदु वाणी। कहां ये कोमल राजकुमार, कहां शंकर का कठोर धनुष, असमंजस लगता है। इतने में एक सखी मृदु वाणी में और बात तो बोली, सखी इन्ह कह को अस कहि बड़ लघु। अरी सखी, इनके बारे में कोई कोई कहता है कि दिखाई देने में छोटे लगते हैं, बाकी अंदर से बहुत बड़े हैं। परसी जासु पर पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अघ भूरी। कहने लगी सखी की दिखाव में छोटे हैं, इनके चरण की धूल छूने से अघकृत अहल्या तैर गई, धन्य धन्य हो गई। सो की रही शिव धनु तोरे, सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रकृति परिहरियन भोरे, परिहरियन भोरे, जे रंजी रची सिय सवारी, ते श्यामल वरु रचेउ विचारी, रचेउ विचारी।
या तरी हरि सखी, क्या वो धनुष तोड़े बिना रहेगा? तोड़ेगा। हमको तो लगता है कि जिसने सिया को बनाई है उसी ने उनके लिए ही इस श्यामल वर को बनाया है। आगे बोलो। आसु वचन सुनी सब हर शानी, ऐसे होई कहि मृदु बानी, कहि मृदु बानी। इस सखी की बात सुनकर सब हर्षित हो गई, कहने लगी ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तेरे मुख में शक्कर हो, भगवान तेरा शब्द ठीक करे। और मेरे बाबा जी झूम गए। इतना कहकर मिथिलानी स्त्रियां हर्षित होकर फूल बरसने लगती हैं। जहां जहां ये दोनों राजकुमार निकलते हैं वहां परमानंद व्याप्त होता है। तह तह परमा कोई कोई महात्मा कहते थे कि परमानंद नामक केवल ब्रह्म में मानने वाले, नाम रूप मिथ्या मानने वाले एक महात्मा थे, वो परमानंद नामक महात्मा जहाँ जहाँ राम जाए तह तह परमानंद। जो नाम रूप को मिथ्या मानते थे थे बाबा जी राम रूप में डूब गए, संत डूब गए, ऐसा भी अर्थ लगाते हैं। ऐसी सुंदर स्थिति, सखियां आपस आपस में कह रही ये सब बात। यदि ये संजोग बन जाए तो कभी राम सीता को छोड़ने के लिए लेने के लिए आएंगे। एक सखी ने बीच में बोल दिया, ब्याह हो जाए और सीता को राम ही यहाँ छोड़ने आए और लेने आए, वो कैसे? छोटे भाई को भी बेच सकते हैं। तो तीसरी सखी ने कही, अरे ना समझ, जानकी को यहाँ छोड़े और वो जाए तो ही आने जाने का प्रश्न होता है ना, हम यहाँ से विदा ही नहीं देंगे तो फिर नित्य दर्शन होगा। बड़ी मधुर चर्चाएं, कोई पुरुष का व्याख्यान नहीं है यहाँ, सब माताओं की चर्चा है। दो कारण, एक तो माताओं का ये सद्गुण है कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति के बारे में कहीं से भी परिचय प्राप्त कर कर ये प्रसाद सब बहनों में बांटना, ये माताओं का एक सद्गुण है। अथवा तो यूं कहो कि ये पुरुष सब ज्ञान वैराग वाले हैं, सब बड़े बड़े बस देखते हैं, लेकिन ये माताएं भक्ति स्वरूपा हैं और भक्ति ब्रह्म का परिचय जल्दी प्राप्त कर लेती हैं, और प्राप्त कर लेती हैं तो गाये बिना नहीं रह सकती, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेद, वो कीर्तन किए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि ब्रह्म का सुना तो वो कीर्तन करेगी। तो माताएं भक्ति पक्ष में है। और दूसरा लक्षण मैंने जो कहा कि माताओं का एक सुंदर स्वभाव है जो किसी के बारे में भी सच्चा झूठा परिचय प्राप्त कर लेती है और फिर अकेली नहीं खाती, प्रसाद बांटती रहती है। ये स्वाभाविक। मैं हर वक्त कहता हूँ कि बस में ट्रेन में पुरुष पुरुष जो यदि मुसाफरी करते हैं, इधर भी पुरुष बैठे उधर भी पुरुष, कोई बात नहीं करेंगे, हाँ अपनी मस्ती में रहे, करीब करीब बस। ये घमंडी होते हैं पुरुष, जरा अहंकारी होते हैं। लेकिन तुम बैठे हो ट्रेन में, उसके सामने कोई माता कोई बहन बेटी आ जाए तो सोचना कि समझ लेना कि बातचीत कुछ न कुछ होगी। बहन बहन लोगों तो कितनी बातचीत होती है, इधर भी बहन बैठी है इधर कोई बहन बैठी है, ट्रेन जा रही है तो तुरंत चर्चा शुरू हो जाएगी, जय श्री कृष्ण बहन, जय श्री कृष्ण, तो आप कहाँ रहत हो, तो बोले हम वहीं रहते हैं। अच्छा तो आपके परिवार में कौन कौन है, बोले देवरानी है, जेठानी है, दो बच्चे हैं, हमारे पतिदेव ससुर। अच्छा तो एक प्रश्न तो खास पूछे कि सास है, बोले हाँ अभी तो है। अभी तो है। अच्छा तो आप कहाँ जाती हो, बोले मेरे पेहर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा तो बहन आप कहाँ रहती, सब आपस आपस में बात कर लेंगे।
फिर कहेगी हमारे गांव में कथा होने वाली है तो तुम हमारे गांव आना और हमारे घर ही ठहरना, ऐसा कहते पुरुष है तो कथा में, अब कथा में हूँ से देहाती बोले, बहनों में ये भाव होता है, अच्छा भाव। हमारे भगवान जी बाबा थे बूढ़े कथाकार, वो कहा करते थे, उसका ये अनुभव था, वो बताते थे कि मुझे ऐसे ट्रेन में मुसाफरी करे और कोई बहन सामने बैठी हो तो कहेंगे दादाजी महाराज जी प्रणाम, प्रणाम बेटा प्रणाम, हाँ बाबा जी आप महाराज जी हैं, खोल खोल करके परिचय पूछे, बाबा जी है महाराज जी है, हाँ बेटा तो आप कथा करते हैं, बोले हाँ राम गुणगान गाते हैं, अच्छा तो राम कथा ही करते हैं कि भागवत कथा भी करते हैं, बोले राम कथा ही करते हैं, अच्छा तो राम कथा में वाल्मीकि पर बोलते हैं कि तुलसी पर बोलते हैं, बोले तुलसी पर, ठीक है सरल है ले तू आओ ना तू आओ। पुण्यं पापहरं सदाशिवकरणं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकीर्णे दहयन्ति नो मानवाः। अच्छा तो बाप जी पहले से कथा ही करते हैं कि पहले कुछ और करते? नहीं पहले से कथा करते। अच्छा अच्छा आपके गुरु कौन? फिर गुरु का नाम बताना पड़ता है। अच्छा गुरु भाई है कोई? अरे भाई मूक ने गुरु भाई ने सब पूछ लिया, तो कहाँ कथा हो रही फलां गाँव वहाँ जा रहे, उसके बाद कहाँ है उसके बाद फलां, उसके बाद कहाँ उसके बाद, तो चैत्र महीने में ही कथा चलती है कि बारह मास? ए आ बारह मास यो आंबो छे, खाली चैत्र वैशाख में कैरी आवे वो नहीं बापा। अच्छा फिर एक प्रश्न, वो दादा हमको बता रहे थे, फिर एक प्रश्न अंत में पूछे एक कथा करो तो रुपया कितना मिलता? अरे मेरी माँ लेकिन ये भाव होता है माताओं का, हमको तो अनुभव हुआ था भावनगर की कथा में, हमारे कवि मित्र वो हमको निवास पर मिलने आए, मुझे कहे बाबू इतनी भीड़ होती है तो मैं तो दूर बैठ जाता हूँ लेकिन कभी कभी कथा में विक्षेप हो जाता है, पीछे बैठे वाली बहनों चर्चा करती है ना, मैंने कहा क्या चर्चा? बोले आपके बारे में, मैंने कहा जल्दी बात करो। बोले एक बहन दूसरी बहन को कह रही थी कि ये बापू छः छः घंटे बोलते, उस समय दोनों समय कथा करते थे, छः सात घंटे बोलते, आपको पता है कैसे बोलते हैं? बोले कैसे? बोले दस शेर दूध सुबह पीते हैं, दस शेर दूध रात के। खबर नहीं, दस शेर दूध सुबह पीते हैं, दस शेर हमारे बारे में, आधा मन दूध, मैं तो तब से सोचता हूं कि उसने मुझे समझ क्या रखा हो, मनुष्य रूपेण। दस शेर तब से दूध कम हो गया मेरा, नजर लग गई उस माताजी की, बापू छह ना बधु बराबर, चलो दस शेर दूध सुबह, दस बादाम डाल डाल करके, केसर डाल डाल करके, हम तो चूल्हा ऊपर तो पंदर शेर चढ़ावे थे पर पछी थता थता दस शेर रे, जारे पछी रूम बंद करी ने एकला पीवे, ए दया करो दया करो।
माताओं को भाव होता है ना, मातृभाव होता है कि दूध पिए तो अच्छा, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अरे के हूं नदी के तट पर था, बैठा था 50 सांप, बैठा था केवल बैठा था, नदी का प्रवाह देख रहा था, 50 सांप। एक आदमी ने कहा 50 सांप कभी साथ में नहीं होते, यज्ञ में सब कूद कूद जला दिए गए, उड़ उड़ कर सब आए थे यज्ञ में, उड़ गए, 50 नहीं होता तो 25 तो होगा ही। अरे मूर्ख 25 नहीं होता, साल में बा मुश्किल कहीं एक दिखाई देता है। तो हमें मैंने बोला होता नहीं 20 तो होता, जब हमें तुम्हें आगे नहीं जाता, 20 तो थे ही। अरे लेकिन 20 सांप मूर्ख मंकोड़े नहीं है, सांप है फणीधर, 10 तो थे। अरे लेकिन 10 ए हमें 5 थी तो मेहरबानी करनी। अतिशयोक्ति लोग करते, अरे 5 सांप कभी संग में नहीं होते, 2 किसी ने नहीं देखे तो अब रहने थे तुम, 2 तो हटा दे, हाँ मैंने खोटो नहीं पड़े तुम्हें, 2 तो थे। अरे नहीं होते तो चलो तुम्हारू गयू मारू गयू, 1 तो हतो काबरो हतो काबरो, 1 तो, अरे लेकिन नहीं होता तो खबर नहीं पड़ का हलचल का काम, हलो जरा इधर उधर कुछ आवाज हुई थी, ऐसा होता है। दशहरा दूध में भी ऐसा ही हुआ, वो बहन तो मुझे मिली नहीं, नहीं तर मैं पूछता कि माँ दस तो कहने 5 शेर तो होता, फिर 1 शेर होता, फिर मैं जितना पात्र में लेता वहाँ आ जाता। लेकिन माताओं का ही स्वभाव होता कि जान लेती हैं भक्ति नारी स्वरूप है और वो ब्रह्म का परिचय तुरंत प्राप्त कर लेती हैं और भक्ति बाँटती हैं, केवल स्वकेंद्रित नहीं रहती, इसलिए मिथिलानी महिलाएं सब परिचय प्राप्त कर। हमारे एक बूढ़े रामायणी जी थे, गुजरात का शरीर था त्रिकमदास जी बापू, वो रामायण की संस्था भी चलाते थे, वहाँ रामायण छात्रों को सिखाते थे। वो जब हमारी कथा रही तो आए सुनने, तो उसने मुझे बताया, मैंने कई बार उसकी प्रसादी बांटी है, वो कहते कि जब राम जी निकले मिथिला में तो कई महिलाएं सब अटारी पर झुक करके राम का दर्शन करती, उसमें एक नई बहू आई थी मिथिला, तो बड़ी शर्मीली बड़ी संकोची, लेकिन उनका पूरा खानदान प्रभु का इतना प्रेमी था कि राम नगर में आए तो वो दर्शन करने के लिए जरूखे में आ गई। अब नई नई तो राम को देखने के लिए एकदम उसने घूंघट हटा लिया और जरूखे से राम को देखने लगी। इतने में सास आई, नजर रखो मेहरबान, सोने की छड़ी रुपए की मशाल, जरियन का जामा मोतन की माला, कानों में कुंडल गले में हार आई। और वो बहू बेचारी राम रूप में डूबी थी और सास ने देखा कि ये घूंघट हटा कर देख रही, जरा भी मर्यादा नहीं। रास्ते में कितने बूढ़े बुजुर्ग वो कोई राजकुमार आए उनको देखने के लिए खड़े हैं और ये मुख खोल कर देखती है, कोई इनका चेहरा देख ले, एकदम सास आई और अपनी बहू को पकड़ कर कहने लगी शर्म नहीं आती तुझे, मुंह खोल कर देख रही है। लेकिन वो बेचारी इतनी डूबी है राम रूप में कि सास कह रही फिर भी सुनाई नहीं देता। 2-4 बार एकदम वो किया कि अरे शर्म आनी चाहिए, मैं बोल रही हूं। तब वो ध्यान वो हुआ और अपनी सास को कहने लगे माँ क्या, अरे क्या है इतने लोग खड़े हैं बड़े बड़े, मैं इतनी बूढ़ी हो गई तो भी इज्जत रखती हूँ, मुंह ढांकती हूँ और तू मुख खोल कर देख रही, कोई तेरा चेहरा देख ले तो। उस बहू ने कहा कि माँ सब लोग तो राम को देखने में पड़े हैं, कौन मेरा चेहरा देखेगा, भाग तो तेरे फूट गए कि राम के बदले तू मुझे देख रही है, तू भी अवसर है देख ले प्रभु का दर्शन कर ले। ऐसी सुंदर सुंदर चर्चाएं हो रही थी। तो दूर से राम लखन आते हैं तो जरूखे से दिखाई देते हैं, लेकिन दूर से इतना ठीक नहीं दिखाई दे रहा है,
तो प्रतीक्षा करती है मिथिलानी महिलाएं कि जब नीचे से निकले तो ठीक से दिखाई दें, लेकिन नीचे अपने जरूखे से नीचे आए तो फिर सिर ही दिखाई देता है, चेहरा नहीं दिखाई देता। दूर से चेहरा दिखाई देता है लेकिन बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता। जरूखे से नीचे आए तो सिर दिखाई देता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं सबने युक्ति की, ही हर शही बर शही सुमन। फूल उनके सिर पर डाले, सखियों की ये कुशलता थी। जब जैसे निकले जिसकी अटारी के नीचे तो वहाँ से सखियाँ अक्षत पुष्प ऊपर डालती, और जैसे सिर पर पड़े तो स्वाभाविक है कोई ऊपर देखे, और राम ऊपर देखते और सभी नारियाँ कृतकृत्य हो जाती थी। ऐसे युक्ति ये हर सही। अरे कोई कोई तो कहते कि इस सखियों को पता था कि राम बाजार में आने वाले, तो ये फूल कहाँ से ले आई, फूलमालाएं पहले से इंतजाम कहाँ से किया। मान लो खबर होगी तो फूलमालाएं ले आई, फूल ले आई। कोई कोई संत कहते हैं कि नहीं, ये तो जनकपुर के भवन हैं, सब की अटारियों में गल में लगे थे फूल, गमले सब लगे, पौधे लगे हैं, और वहां से चुन चुन करके फूल। कोई कहे नहीं नहीं सबके घर में ऐसा होगा, तो एक संत ने कहा नहीं नहीं फूल तो प्रतीक है, ही हर शही बर शही सुमन। सुमन मानी अपना सुंदर मन प्रभु को अर्पण कर रही है। विक्रेत कामान किल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति। अपना सुमन, सुमन मानी अपना सुंदर मन, पवित्र मन भगवान को अर्पण कर रही है। जहां जहां प्रभु जा रहे हैं तो ऊपर से फूल फेंकते हैं, और राम जी ऊपर देखते हैं, लक्ष्मण जी देखते हैं, तो संकेत करती है कि ये फूल जिस फूलवारी का है ना, वहाँ कल सुबह आना, हमारी सियाजू भी आएगी, और आप तो सुंदर है ही, हम भी कृतकृत्य, लेकिन मन में घमंड मत करना, वहाँ आकर हमारी सियाजू को देखना तुम्हारी दशा क्या होती है। तो फूल के बहाने निमंत्रण दे रही है कि कल आना। अथवा तो एक संत कहते हैं फूल इसीलिए डाल रही हैं कि तुम्हारे चरण कितने सुकोमल है, हमारी भूमि वैसे तो बहुत कोमल है, फिर भी कहीं कोई कंकर आपके पैर में चुभ जाए तो हम आप हमारी मिथिला की आलोचना कर सकें कर सकते हैं, इसलिए आपके पावड़े में हम फूल बिछा रहे हैं। इसलिए अथवा तो एक संत ने कहा फूल डाल करके कह दिया घबराना मत, धनुष के बारे में सुना होगा तुम दोनों ने, बड़ा कठोर है लेकिन चिंता मत करना, हम हमारी तपस्या दे देंगे शंकर को, तो ये धनुष है ना वो फूल जैसा कोमल हो जाएगा और छुएते ही टूट जाएगा, इसलिए चिंता मत करना। ये फूल फेंक कर एक सखी ने ये भी संकेत कर दिया कि अब लगता है ये संजोग बना है, जानकी के साथ आपका विवाह होगा। तो फूल फेंक कर ये बता रहे हैं हमारी जानकी बहुत कोमल है, उसको फूल की तरह संभालना, उसको फूल की तरह ख्याल करना, क्योंकि हमारी जानकी बाग में जाती है तो उनके चरणों के नीचे फूल नहीं बिछाए जाते, पराग बिछाए जाते हैं, इतनी तो वो सुकोमल है। कई कई भाव से महात्मा लोग उसका वो करते हैं, और जहां जहां जा रहे हैं वहां ब्रह्मानंद वालों को परमानंद प्राप्त हो रहा है। सब ब्रह्मानंद का अनुभव कर चुके, आज परमानंद में भी डूबे हैं। मानसकार कहते हैं प्रभु इस तरह जा रहे हैं, पूर्व दिशा में पहुंचे, धनुष भंग की जहां रंगभूमि बनाई गई है, बालक लोग आए सब, और बच्चे जो छोटे छोटे साथ में थे ना भगवान के संग संग थे, तो जो जरूखे से जो माता अपने बच्चे को देखती थी, ए मुनिया, संकेत करती, तो वे क्या है माँ, तो संकेत करती, जरा तू उसको छू करके मुझे दिखा दो ना, तो राम को छूते, ये मेरी माँ है, बच्चे अपनी माँ को ब्रह्म साक्षात्कार करवा रहे हैं। इसमें सबको अधिकार मिल रहा है। अरे कोई कोई माता तो कहती सब भगवान को दिखाते हैं, ये सब लोग भगवान तो पूछ रहे हैं यहाँ क्या होगा, बोले यहाँ ये है, यहाँ ये, यहाँ ये, सब अधिकार। कोई कोई तो भगवान का हाथ पकड़ करके भीतर ले जाते, जरा हमारे घर में आ जाइए, माताएं बाहर नहीं आ सकती तो आप उसको अंदर दर्शन दे दीजिए। कोई बहिर्मुख दर्शन कर रहा है, कोई अंतर्मुख दर्शन कर रहा है, और निखालस बालकों के संग को, संग से ये सबको वरदान मिल रहा है। देर हो गई,
पूरे नगर में धूम मच गई। क्या दो व्यक्ति ने करामत डाल दी, पूरा नगर राम में डूबा है। आज तक तो बड़ी बड़ी बात करते थे, नाम मिथ्या है, रूप मिथ्या है, लेकिन सब डूबे हैं। आंख बंद करे तो ब्रह्म ब्रह्म कोई नहीं दिखाता, वो गोरा लखन दिखाई देता है और सांवरा राघवेंद्र दिखाई देता है। ऐसे डूबे हैं सब। अब देर हो गई तो भगवान को लगा कि बाबा जी नाराज हो जाएंगे, संध्या का समय हो गया है। और लखन को तुरंत प्रभु ने, जब जीव देर कर लेता है ना तो सदगुरु तुरंत उसको संभाल लेता है। चलो प्रभु के पास, दुनिया देखना, लेकिन उसकी एक मर्यादा है, बस मर्यादा पूरी हो जाए तो तुरंत अपने भजन में चला जाना, तुरंत अपने स्थान में। तो इस बहाने प्रभु उसको लेकर के, गोस्वामी जी तो कहते हैं जिसके डर से काल डरे उसको गुरु का डर लगता है। यही है गुरु भक्ति, यही है गुरु निष्ठा। राम लखन दोनों भाई पूरी नगरी को धन्य करके लौट आए हैं। एक प्रकार का मानो विजय हुआ है, नगर में राम का विजय हुआ, पुष्प वाटिका में पराजय हुआ। हिसाब बिल्कुल मिथिलावासियों का हो जाता है, यहां तो विजय हुआ लेकिन वहां पराजय हुआ। पराजय तो कितना पराजय, सायं संध्या अस्ताचल की ओर देखकर की जाती है। जिस दिन जानकी को देखा उस समय अस्ताचल में देखने के बदले पूर्व दिशा में चंद्रोदय हुआ तो कहने लगे लखन को, लखन देखो ये चंद्र, मुझे तो सीता जी दिखाई देती है, पराजय। तो गुरुदेव के पास आए, सब बातें कही। बाबा रात्रि का जो नित्य कर्म अपना अपना सब किया है सायंकाल का, और फिर भोजन आदि होने के बाद बाबा के साथ कुछ चर्चाएं, भगवत चर्चा, और बाबा सोने गए तो राम लखन चरण चाप रहे। जिसके चरण की रज पाने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं, वो आज गुरुदेव के पाए पलौट रहे हैं। बार बार बाबा विश्वामित्र महाराज कहते हैं बस राघव सो जाओ, राम जी बार बार दबाते जाते हैं। बार बार बाबा जी कहते हैं, बहुत बार कहा, तब राम जी प्रणाम करके अपने विश्राम कक्ष में, और फिर लखन जी पैर दबाने लगे। भगवान राम लखन को बार बार कहने लगे बस लखन अब सो जाओ, तो लखन जी नहीं जाते, वो बार बार दबाते रहते। फिर भगवान ने कहा मैं कहता हूँ, बड़े की माननी चाहिए। बोले महाराज आप ही तो नहीं मान रहे थे, बाबा बार बार कह रहे थे, आप भी तो नहीं जा रहे थे, क्योंकि सेवा के बाबत में कभी कभी महाराज आपकी आज्ञा हम न भी माने तो बुरा मत लगाना, पैर दबा रहे। लेकिन भगवान एकदम व्यवहार धर्म बता रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में पूछते बस सो जाओ, और ये बिल्कुल व्यवहार है, होना चाहिए। कोई अपने पैर दबाए तो उसको 10-10 मिनट पर कहना चाहिए बस भैया बस बस, लेकिन बोले ही ना सो जाए तो फिर ये लंबा चलने वाला नहीं, कहेगा तो वे, इसलिए बार बार कहना पड़ता है। इसलिए मैं विनोद में वो वार्ता हर बार कहता हूँ। वहाँ एक सोए थे तो एक भाई पैर दबा रहा था, 9 बजे से शुरू हुआ था, 10-10:30 बज गए, तो वो तो महाराज जो थे वो कुछ बोले ही ना, तो उसको लगा कि अब तो वो सो गए लगते हैं, और वो सो गए और मैं दबाता रहूं तो नींद उसकी खराब हो सकती है, तो मैं प्रणाम करके जाऊं। जैसे वो चाहने लगा तो बाबा बोले ए भैया तुम भाई कितने हो? बोले हम 4 भाई। अच्छा अच्छा दीर्घायु। फिर सो, उसको लगा कि अभी तो जागते हैं जाना मुश्किल है, तो फिर दबाने लगे। 12 बजे फिर वातावरण शांत हुआ तो लगा कि अब तो सो ही गए, धीरे से जाऊं तो सोए तो नहीं थे। कहा कि अच्छा भैया आप ये 4 भाई हैं आप लोग, इनमें कितने की शादी हुई? बोले 3 की हुई। अच्छा अच्छा सब सुखी हैं? सब सुखी है सिवा मैं। फिर 2 घंटे सेवा की, रात के 2 बजे फिर सेवक को लगा कि अब तो सो ही गए। जैसे वो जाने लगा तो फिर बोला कुछ हो ऐसा कोई प्रश्न कर लिया, लगा कि अभी तो नहीं सोए तो फिर दबाने लगा। रात के 3 बजे फिर वो पैर दबा कर जाने लगा कि अब तो बाबा सो ही गए, तब वो बोले
हाँ भैया, तुम कितने भाई हो? 10:30 बजे जो प्रश्न पूछा था वही 3 बजे फिर पूछा। उसने कहा कि हम 3 भाई हैं। बाबा को स्मरण हुआ, तूने 10:30 बजे तो 4 भाई कहा था, 3 बजे 3 क्यों? बोले 10:30 तक तो 4 थे, लेकिन अब तो वो 3 जो रहे वो ही रहे, क्योंकि मैं तो जिंदा जाऊंगा नहीं यहां से, तू मुझे छोड़े तब जाओ ना जिंदा। सेवा में अरुचि न हो इसीलिए व्यवहार दर्शन मेरा ठाकुर करा रहे। गोसाई जी वर्णन करते हैं, प्रभु ने भी निंद बस नयन किए, यहाँ लखन जी भी विश्राम में, और लखन जी तो कहाँ, केवल शरीर लंबाया होगा, बाकी सोते तो नहीं है, वो जागते ही रहते हैं। मिथिला में पहली रात्रि है और लखन जी विश्राम करते करते सिया राम कहियो, सिया राम, सब गाइए सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम। Oh,
सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो। श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे। गिरिराज में गाँव में राधे राधे, नंद गाँव में राधे राधे, सान में राधे राधे, सान में राधे राधे, सान में राधे राधे, 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 का सत्संग यहाँ विराम ले रहा है। कल सुबह 10 बजे फिर कथा आगे बढ़ेगी। 12 बजे के आसपास इस 11 दिन की कथा को विराम दिया जाएगा, तो कल फिर 10 बजे आगे बढ़ेंगे। विराम के लिए भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए राम।
भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सदगुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महा।